ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما سب الله سبحانه وتعالى كشكر ہوں बेपाया दरुदो सलामती हो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं दुआ करते हुए अपने इस बयान का मैं आगाज़ करना चाहता हूँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुबहानहु से सुबहान तेह सुबह तोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जी सी पी और उनके सारे जिम्मेदारान जनाब अबू बकर हफीज़ुल्ला जनाब कादिब साहब और जनाब आसिफ़ साहब और शजी और सारे ही मुनसलिकीन मुशारिकीन जिन्होंने मेहनत की कि सहबा कराम की अज़मत दिल में बिठाई जाए साहब कराम की मोहब्बत दिल में बिठाई जाए और भोले भाले नौजवान जो सहाब कराम से दुश्मनी रखने वाले लोगों के बातों में आ जाते हैं नरगे में आ जाते हैं उनको चौकन्ना करने के लिए उनको बचाने के लिए उन्होंने मेहनतें की पोस्टर फैलाए और जगह जगह जाकर उन्होंने पोस्टर चस्पा किए हैं अल्लाह ताला ज़िम्मेदारों को जजाय ख़ैरता फ़रमाएँ और सामीन में मौजूद बुज़ुर्ग नौजवान और मेरी माओ और बहनों मैं आप सब के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबह ना हमारी इन मेहनतों को कबूल फ़रमा ले बारिश और पानी के बावजूद आप दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं आपने हब्बा की दलील पेश की है अल्लाह ताला हम सब के घरों को ईमान की ज़िंदगी से मुनवर फरमा दे जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तु करने जा रहा हूँ अनवान है कुरबानिया मक्के से लेकर करबला तक इस टॉपिक को लेने की वजह क्या है इस टॉपिक को लेने की वजह यह है कि बहुत सारे भोले भाले मुसलमान जिसमें शिया भी शामिल हैं जिसमें सुन्नी भी शामिल हैं वह समझते हैं कि तारीख़ में करबला से बढ़कर कोई शहादत हुई नहीं वो ये समझते हैं कि तारीख में मुसलमानों में बातिल की कोई जंग हुई नहीं सिवाय करबला के और वह कह देते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद क्या मतलब क्या इसका मतलब यह है कि करबला से पहले इस्लाम मर चुका था जब करबला के वाक़े के बाद इस्लाम ज़िंदा हुआ है ये इस वजह से है कि गलत फहमियाँ इतनी बढ़ती है इतनी बढ़ती हैं कि लोगों को तारीख़ के बारे में मालूम नहीं है अगर हकीकत में देखा जाए तो क़ुरबानियाँ सिर्फ आपको करबला में नज़र नहीं आएंगी, बल्कि क़ुरबानियाँ आपको मक्के से लेकर नज़र आएंगी। क्या हम भूल जाएँ मक्का के अंदर वो तपती हुई रेत पर जब बिलाल रजी अल्लाह तन को लिटाया गया था और उनके जिस्म को ज़ख्मों से छन्नी कर दिया गया था उस तपती हुई रेत पर उस बंदे ने कहा था कि अहद अहद का नारा उसने लगाया था ज़बा ने कह भी दिया ला अः तो क्या हासिल ज़बाँ ने कह भी दिया ला अला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं क्या हम ख़ब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाह अन के कुर्बानी को भूल सकते हैं क्या हम खुबैब रजी अल्लाह तन के कुर्बानी को भूल सकते हैं कि जिनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और इसी तरीके से अबू बकर रज़ी अल्लाह तुरबानी दी अबू अबूदर गफ़ारी रजी अल्लाह इतना मारा गया इतना मारा गया कि वो लहू लहान हो गए और मक्के के अंदर जब उनको चैन नहीं मिला अल्लाह सुबहान तला की तरफ से अल्लाह सुबहान तरफ से जब हुक्म मिला इजन मिला तो मक्के की तरफ से वो ईमान वाले चल पड़े हजरत करते हैं कभी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं हबशा एथोपिया टोटल एक नया एरिया मक्के के लोग किधर और अफ्रीका के वादियाँ किधर लेकिन अपने दीन को बचाने के लिए वो हिजरत हबशा कर जाते हैं हिजरत मदीना कर जाते हैं हिजरत का माना जानते हैं हिजरत का मतलब है एक ऐसे मुस्तबिल को अपना लेना जिस मुस्तबिल के बारे में यकीनी ना हो कि आखिर क्या हालात होंगे एक गैर यकीनी मुस्कबिल को कबूल कर लेना पता नहीं कि वहाँ जाने के बाद हमारे खा हमारे मिजाज के मुताबिक खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक गैर यकीनी कैफियत वाली ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेने का नाम हिजरत होता है जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपके रिश्तेदार हैं वहाँ से बचपने की यादें जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर आपके चाहने वाले होते हैं वहाँ पर आपके पसंद की गज़ाएँ मिलती हैं उसको छोड़कर आदमी कैसे मकाम पर चला जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ का पानी जहाँ का खाना और जहाँ की आबो हवा के बारे में उसको कुछ यकीन नहीं होता लेकिन अल्लाह सुबहान तला को जो लोग चाहते हैं ना उनको मुसीबते है। ये मुसीबतें मामूली लगती हैं हिजरत कर गए हो ये ये करबला से बहुत पहले के वाकयात है जो मक्का के अंदर हमें कुरबानियाँ के क़ुरबानियों के वाकयात मिलते हैं और हमें ख्वाहिश होती है कि जब रमज़ान मुबारक आए तो लोग कहते हैं कि रमज़ान में मैं कारोबार छोड़ता हूँ रमज़ान में मैं नौकरी छोड़ता हूँ ताकि मैं अच्छी इबादत कर लूँ ज़रा मैं सुकून से इबादत कर लूँ तो लोग क्या करते हैं अपने फ्रिज़ को फलों से मामूर कर देते हैं और अपने किचन को अनाज से मामूर कर लेते हैं अनाज बढ़ा लेते हैं पूरे महीने भर का इंतजाम कर लेते हैं पूरे महीने भर का इंतजाम करते हैं ये सोच कर कि चलो एक अच्छा रमज़ान गुजारेंगे बड़े सुकून के साथ राहत के साथ रमज़ान गुजारेंगे आइए देखते हैं कि ये सहाबा करम जो मक्के से निकले थे जब ये मदीना चले गए क्या उनको उनके पास भी तो ख्वाहिश थी होगी कि अल्लाह की इबादत ज़रा सुकून से कर लें राहत से कर लें कोई रमज़ान देखिए उनको कोई राहत वाला रमजान मिल ही नहीं रहा मदीना जब आए पहला रमज़ान आया बहर की जंग हुई दूसरा रमज़ान आया जंग बदर बरपा गई। तीसरा रमज़ान आया तो उसके बाद श में जंग उहद पेश आने वाली है वो रमज़ान कैसा गुजरा होगा अंदाज़ा लगाइए आप यानी आने वाले एक महीने के बाद एक जंग होने वाली है तो रमज़ान कैसा गुजरा होगा एक हम प्रोग्राम करते हैं स्टेट लेवल पर तो तीन तीन महीने चार चार महीने से उसकी तैयारी करते हैं जंग तो हज़ारों बयान के क़ायम करने से भी ज़्यादा अपना टाइम ले लेती है ज़्यादा इंसान के सुकून और राहत को बेचैन करके छोड़ देती है और फिर उसके बाद चौथे साल में बदर सोगरा हुई बदर सोगरा हुई है शाबान में हुई पाँचवें साल में जंग अहजाब हुई ये शवाल में हुई यानी वो कौन सा रमज़ान है जिसमें साहब कराम को राहत के साथ इबाद करने के लिए मौका मिला फिर भी वो रोदा रख लेते हैं फिर भी वो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाते हैं छठवाँ साल आया छठवें साल के अंदर हदे बिया गजवे बनी मुस्तल सातवां साल आया तो सातवें साल में आप देखते हैं गजवे रातुररक़ा इमाम बुखार रहमत ला ने जो नक्शा खींचा जो अहादीस बयान की हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि हम कुल मिलाकर सात लोग थे और दुश्मन मदीने पर हमला कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमला करे और ये मदीने के मदीने के अंदर जो कमज़ोर ख़वातीन है कहीं तकलीफ़ में ना जाए सात के साथ निकलते हैं सिर्फ सात लोग और पहाड़ों पे भगाते हैं पहाड़ों पे भगाते दुश्मन समझ रहा है साथ तो नहीं होंगे ये तो कोई चाल दिख रही इतने ज़बरदस्त इतने यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं साथ नहीं होंगे इसके पीछे और बड़ी कोई फौज होगी वो भागते जा रहे हैं फिर आने की कोशिश कर रहे हैं कह रहे हैं कि हमने पहाड़ों में इधर से भगाया उधर से भगाया पूरी फौज को यहाँ तक के सही बुखारी के अंदर उसको रिका का रिका का मतलब होता है पट्टियाँ बांधने वाली जंग यानी नबी अकरम सल्ला वल्लम और साहब कराम के पैरों के नाखुन निकल गए खून निकलने लगा फिर भी वो पहाड़ों पर चलने लगे उस जमाने में कोई चप्पल नहीं थी जो आरामदा चप्पल आज हम पे अगर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें एक किलोमीटर चलना है तो हमारे ऊपर बोझ लगता है चलना हमको वॉकिंग करना सेहत के लिए लेकिन यहाँ पर भाग रहे पहाड़ों पर भाग रहे दौड़ा रहे अंदाज लगाइए क्या उनको घर की फिक्र नहीं थी क्या उनको भी बच्चे नहीं थे क्या उनको राहत के साथ जिंदगी गुजारने का क्या उनको भी ख्याल नहीं आता था क्या अपने जान को हथेली में लेकर हमेशा तैयार रहते थे जबकि वो खुद साहब करम जो महाजरीन आए थे अल्लाह ताला तरन मजीद में उनके बारे में कह रहे सूरह हशर सर नंबर फिफ्टी नाइन के आयत नंबर आठ और नौ में अल्लाह ताला कैसा नक्शा खींच रहे हैं महाजरीन के कुर्बानियों का लिल्फ़रा महाजरीन लवीना उखरिजु मंदियाारिम व अमालम यब तगोन फजल् रिजवाना वो महाजरीन जिनको उनके घरों से निकाला गया जिनको उनके मालों से मालों से निकाल दिया गया और उनके जायदाद से निकाल दिया गया वो खुद मदद के मोहताज वो खुद मदद के मोहताज है लेकिन वो लोग क्या करते हैं अल्लाह राज़ी है क्या अल्लाह अकबर अजीब एक अजीब कौम देखने में आई तारीख में एक अजीब कौम देखने में आई वो खुद इस इस हालत में है वो खुद इस हालत में है कि उनकी मदद की जाए उनको फिक्र है अल्लाह राज़ी है क्या यब तम मिनल्ला व रवाना वंसरून व रसूल और वो कह रहे हैं जबकि वो खुद मदद के मोहताज है वो कह रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की मदद हम इस हालत में क्या कर सकते हैं हमारे पास क्या होता है पहले हम खाएंगे पिएंगे बैंक बैलेंस बनाएंगे कमाएंगे पूरा सेटल होने के बाद दिन की खिदमत देखेंगे ये हमारी सोच है भाई हमारे घर में खुद नहीं हम क्या दिन की खिदमत कर सकते हैं लेकिन आपके स्किल्स आपके टैलेंट्स आपका माल आपका वक्त कहाँ जा रहा है दिन की खिदमत के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा ये कुरबानियाँ देखिए आप ये कुर्बानियाँ देखिए अल्लाह ताला कह रहे उलाई कह मुस्कुन ये सच्चे लोग हैं अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं यानी साहब कराम की जमात तो ज़मात है जिनके बारे में अल्लाबह व तौला गवाहि दे रहे हैं उनके क़ुरानियों के बारे में तो सातवें साल सातवें सरय गालिब रमदान मुबारक में सरय गालिब सातवें साल में होने वाला सातवें सा, साल में होने वाला जंगाब जंगब खैबर और सातवें साल में होने वाला गजव दातरक़ा और आठवें साल में आप जानते फ़क् हुआ रमदान मुबारक में आठवें साल में फ़तः मक् रमजान मुबारक में नौ साल में तबुक का मरहला पेश आया तबुक अक्सर हमको जंगे बदर और जंगे अहद तो याद होती है लेकिन तबुक के बारे में बहुत कम मालूम होती है तबुक में जो कुर्बानियां हुई अपने घर का सारा सामान उठा लाए सहाबा कर कोई आधी प्रॉपर्टी लाया कोई पूरी प्रॉपर्टी लाया है और खजूरें ख़त्म हो गई जंग की मुद्दत बढ़ रही है किससे मुकाबला है रोम का बादशाह 37 कंट्रीज में जो बाद में जाकर स्प्लिट हुआ ऐसा बड़ा रोम वो बादशाह ऐसे बड़े रोम से मुकाबला हो रहा है जंग तबूक में और मुकाबला करने वालों की तादाद फिर कम है और मुद्दत बढ़ रही है तो कहा जा रहा है कि देखो तीन तीन खजूर मत खाना दो दो खाना कहीं खत्म ना हो जाए फिर मुद्दत बढ़ गई तो कहा दो दो नहीं एक एक खजूर खा लिया करो फिर मुद्दत बढ़ गई तो आखिरी में गुटलियां चूसने की नौबत आ गई लेकिन वो अल्लाह के बंदे कुरबानिया देने के लिए तैयार है फिर उसके बाद दसवां साल आया आमुल वफूद कबीले आ रहे कलमा पढ़ रहे क़बीले आ रहे कलमा पढ़ रहे हैं उनको इस्लाम समझाना उनको इस्लाम बताना है की कोई इंतहा है ख़त्म ही नहीं हो रही है ठीक है भाई अब अल्लाह के नबी वसल्लम के बाद अबू बकर त दौर आया खलीफा बन गए दो साल अबू बकर तमाने में काफ़िले पूरे सीरिया की तरफ जा रहे हैं पूरे बिजी फिर उसके बाद उमर रज अल्लाह तमाना राइट साइड में फ़तेह हादसिया इराक़ फतह हो रहा है ऊपर की साइड बैतुलमद फतह हो रहा है लेफ्ट साइड में मिसर फतह हो रहा है मशगूलियत मशगूलियत बिजी और हमारे पास कोई लाइफ में कोई सिस्टम ही नहीं है कोई विज़न नहीं है कोई प्लान नहीं है इस्लाम की ख़िदमत के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है लेकिन हम कौन से मसले में उलझे हुए मुख्तसर भाई मेरे पास बहुत सारे आते हैं लड़का लड़की दुल्हा दो्हा छः महीने हुआ शादी हमें खुला दिला दीजिए हमें तलाक़ दिला दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है रिश्ते निभरे क्यों नहीं क्योंकि कोई विजन नहीं कोई बड़ा प्लान नहीं है भाई क्यों नहीं ये साहब जो है हमारे बच्ची को जो है सोने की अंगूठी तक भी नहीं पहनाते ये साहब मेरे बच्ची को वीकली वी हफ्ता जब ख़त्म होता है तो वीकेंड ही नहीं मनाते सालाना तौर पे कपल डे तो आना चाहिए शौहर भी मिलकर कहीं घूमने जाना चाहिए कहीं हनीमून होना चाहिए इनका कोई प्लान ही नहीं है घूमने का प्लान नहीं क्या साहब कराम के पास सालाना घूमने का प्लान हफ्ते में घूमने का प्लान उनके पास कोई टाइम ही नहीं है एक बड़े विजन से जीने वाली कौम एक बड़े ऊंचे मकसद से जीने वाली कौम छोटे छोटे मसलों में उलझा नहीं करते मुसलमान खैर उम्मत है हमारे पास रिश्तेदारियों में लड़ाई झगड़े वजह क्या है रुका नहीं मिला वजह यह है स्टेज पे नहीं बिठाया गया जब हम आए तो हमें इज्जत से नहीं बिठाया गया जो कौम कुरबानियों से दूर हो जाती है और कंफर्ट जोन में जीने के आदि हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़े बड़े मसले बना देती है और अख्तलाफात तो सहाबा इक्राम की कुरबानियाँ इस टॉपिक पर अगर आप गौर करेंगे साहब अ कराम की स्मान रजाल्ल् त दौर आया ऊपर उजबेकस्तान तक और किसरा की हुकूमत जो सत्रह कंट्रीज में फैली हुई है पूरे अफग़ानिस्तान तक फैल गए और इधर लेफ्ट साइड में वेस्टर्न सहारा तक पहुंच गए और स्पेन में जाने की तैयारी कर रहे और नीचे पूरा यमन फता हो गया ये साहब कराम के दौर का अगर मैं आपके सामने मुख्तसर नक्शा खींचा हूँ तो इससे आपको मेरे का पहला सबब मालूम हो गया कि मैंने टॉपिक क्यों लिया कि मक्का से लेकर करबला तक कुरबानिया मक्का से लेकर कर, मर करबला तक यानी मतलब यह है कि सिर्फ करबला के अंदर ही कुर्बानी नहीं है बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी शहादत और कुर्बानियों से भरी पड़ी है ये शहादत गहे उल्फत में क़दम रखना है ये शहादत गहे उल्फत में क़दम रखना है लोग आसान समझते हैं मुसलमा होना आइए दूसरी वजह कि करबला में जो वाकया पेश आया इसका सिलसिला ऐसा नहीं कि करबला में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया ऐसी बात नहीं है अगर आप तारीख़ पढ़ते आएंगे तो उमर रज़ी अल्लाह की शहादत का जो वाक़ पेश आया तब से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अगर आप पूरा वाक़ ऊपर से सुनते आएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा करबला में ये वाक़ क्यों पेश आया और ये करबला के पीछे ये वाक़ा पेश करने के लिए जो मीडिया में बताया जाता है कि सुन्नी इसके ज़िम्मेदार हैं ग़लत सहाबा इसके ज़िम्मेदार है गलत सहाबा इसके जिम्मेदार है गलत यानी कि ये जो करबला का जो वाकया पेश किया जाता है मन घड़त अंदाज में पेश किया जाता है पहला तो सबब मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक पर लेने से पहला नुकता आपको यह समझ में आएगा कि कुर्बानियां सिर्फ करबला में नहीं हुई बल्कि क़ुरबानियाँ मक्के के दौर से चली आ रही और दूसरा नुकता ये है कि करबला में जो वाकया सुनाया जाता है ऐसा नहीं कि वह सिर्फ करबला में शुरू हुआ और करबला में ख़त्म हो गया उसका ताल्लुक बहुत पहले से अली रजी अल्लाह की शहादत उससे पहले शहादत ओसमान रजी अल्लाह तल्कि उनसे पहले शहादत उमर रजी अल्लाह तमाने से अगर आप गौर करते आएँगे तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि करबला के पीछा कर किसका हाथ है वो कौन लोग हैं तारीख में तो फैला दिया जाता है मीडिया में तो फैला दिया जाता है कि साहब नौजबिल्ला साहब क़राम को करबला के बहाने सहाब कराम को ताना तशनी किया जाता है सहाबा कराम को गाली दी जाती है और ये समझाया जाता है कि सहाब कराम ज़िम्मेदार हैं सुन्नी ज़िम्मेदार हैं बनो उमैया के लोग जिम्मेदार हैं मुआविया रजी अल्लाह तआला ज़िम्मेदार हैं यजीद बिन मुआविया जिम्मेदार हैं जब हम हकीकत का पता लगाते हैं तो किसी की जिम्मेदारी में नहीं आता ये सब बरी हैं एक ऐसा गिरोह जो बराबर उमर रजी रजाल तहादा के वाक़े के बाद वजूद में आया मैं आज के बयान में उस गिरोह की पहचान करवाने के लिए बैठा वो कौन सा गिरोह है वो कौन सा गिरोह है जिसने इतना बड़ा काम इतना घनौना जुर्म किया कि जिसने करबला के अंदर लखते जिगर नवास रसूल हजरत हुसैन रजाल्ला को जिसने कत्ल किया ये मुजरिमाना ना काम आकर किसने किया मैं उस गिरोह की पहचान करवाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ उनशा और इस टॉपिक का ताल्लुक तारीख से तफसर पढ़ते हैं तो तफसर पढ़ने का अंदाज़ अलग हदीस पढ़ते हैं हदीस पढ़ने का हदीस के सब्जेक्ट पढ़ने का अंदाज अलग होता है और जब आप तारीख पढ़ते हैं तो तारीख पढ़ने का अंदाज़ अलग होता है तफसीर में कुरान मजीद की हिफाजत में इतना काम हुआ दुनिया की कोई कौम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती हदीस की हिफाजत में इतना काम हुआ पाँच लाख बल्कि लाखों के तदाद में जो रावी होते हैं उन रावियों की जिंदगियों को भी महफूज कर लिया गया तो हदीस की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने जो कारनामे दिए उसकी टक्कर में दुनिया की कोई खौम नहीं आ सकती लेकिन तारीख का जब मामला आता है तो तारीख में दो किस्म के गिरोह ने मिलकर तारीख लिखी दो किस्म के लोगों ने तारीख लिखी अब इसको आप समझना है चंद किताबें वो हैं जिसको आप कह सकते हैं हंड्रेड परसेंट डेंजरस किताबें अगर आपको कभी भी ये किताबें नजर आए फौरन आप शक जाहिर कर दीजिए तारीख याकूबी एक राफिदी की किताब एक राफिदी ने एक किताब लिखी अल अगानी। अल अलबहानी बड़ी मशहूर है सुन्नियों के लाइब्रेरी में भी आपको नजर आ जाएगी मुरुजुल जहब सुन्नियों की लाइब्रेरियों में भी आपको नजर आ जाएगी बड़ी मशहूर किताब है नहजुल बलागा मंसूब अली रजा तनसूब कर दी गई इबन तयम रमत कह रहे हैं कि नहजुलबलागा की जो अरबी है तकरीबन चौथी या पाँचवीं सदी में जो अरबी इस्तेमाल होती थी उस टाइप की अरबी है अली रजा है के ज़माने में इतनी गिरी हुई अरबी नहीं थी वो तो बड़ी फसाहत और बलागत वाली अरबी बोलते थे ये अरबी तो अजमी टाइप की अरबी मालूम होती उससे पता चला कि बहुत बात की किताब है बड़ी मनसूब है अलमाम व सियासा कुतैबा देनावरी बड़े मुहदस गुजरे हैं लेकिन उनकी तरफ ये मनसूब कर दी गई ताकि सुन्नियों को बावर कराने में आसानी हो जाए ताकि सुन्नी अपने आलिम किताबें देखते हैं तो बेचारे सुन्नी भोले भाले होते हैं तारीख़ के मसले में कुरान और हदीस के मसले में सुन्नी बड़े तेज़ होते हैं लेकिन तारीख़ के मसले में पता नहीं सुन्नी हमेशा जो है बड़ी आसानी से झांसे में आने की उनके अंदर एक आदत पड़ गई है उसको यूज़ किया जाता है और सुन्नी किताबें सुन्नियों की तरफ मनसूब कर दिया है हमारे बहुत सारे सुन्नी आज के दौर में खिलाफत ममलूकियत के नाम पर किताबें लिखे हैं तो उसके अंदर उन्होंने कौन से हवाले दिए जानते हैं इब्ने ख़बा का यही हवाला भाई आपके सुन्नी किताबों में है ना इस वजह से हम ये कह रहे हैं तो सुन्नी सुन्नी के ख़िलाफ़ भी कहना शुरू कर दिए किताबों के झांसे में आकर तो इसीलिए वो किताबें जो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट डेंजरस जहां पर साहब कराम का मजाक उड़ाया गया और हर वाक़े को एक ऐसे रुख में पेश किया गया कि जिसकी वजह से सहबा कराम के बारे में नौदुला बदगुमानी पैदा होती सहाबा कराम के बारे में गलत ख़्यालत पैदा होते हर वाक़े के एंगल होते हैं इस, इस, इस एंगल में पेश करने की कोशिश करते हैं ये किताबें कि जिसकी वजह से शक आ जाता है नौदुबिल्ला साहब कराम के बारे में इसका मतलब एक कोई ग्रोह था जो बड़े ही सिस्टमेटिक अंदाज में बड़े ही मनज़म अंदाज में बहुत ही सदियों मेहनत है एक आप फौरन समझना चाहेंगे तो देर लग जाएगी सदियों उसके पीछे मेहनत की गई तब जाके किताबें वजूद में आई और इसमें चार ऐसे रावी हैं अगर ये रावी नजर आए तो फौरन रद्द कर दीजिए आप जितने मन घड़त करबला के दौरान जो भी आपको मन घड़त वाक़ नजर आते हैं शहादत तआला के दौरान जो भी मन घड़त बातें सहाबा के बारे में बदगुमानी उठाने वाले जो भी वाक्यात नजर आते हैं उसका रावी चेक करिए आपको चार रावियों में से एक रावी मिलेगा अबू मुखन्नफ तारीख तबरी में पांच सौ सतासी की सन्दे तबरी अब कोई आदमी कहेगा भाई इमाम तबरी तो सुन्नी आलिम है ना इमाम तबरी तो सुन्नी आलिम है लेकिन इमाम तबरी रहमतुल्ल ने कब यह दावा किया कि मेरी किताब में सही बुखारी के अंदाज में लिख रहा हूं कभी भी उन्होंने नहीं कहा सही बुखारी इमाम बुखारी रहमत ने दावा किया कि मेरी किताब में जो हदीसे तुम पाओगे वो भी सनद वाली गैर सनद वाली रिवायतों में तो इमाम बुखार रहमतल्ला ने भी दावा नहीं किया सही बुखारी में जो सनद वाली रिवायतें हैं इमाम बुखारी रहमत ने दावा किया कि इसके अंदर कोई आदमी रईब बता ही नहीं सकता ये दावा सही मुस्लिम में भी है ये दावा सही बुखारी में भी है बाद में कुछ लोगों ने किया सही अब अबान सही बबन खुजैमा लेकिन उल्मा इक्राम ने तहकी करके कहा कि ये उस लेवल पर नहीं आ सके क्योंकि हमेशा सुन्नी तहक़ीक को अपनाते हैं अपने बड़ों के बड़ों के अकीदतमंदी में मान नहीं लिया अगर मानते तो सही इब्ने खुदैमा को भी मान लेते मानते तो सही इब्ने अबान को भी मान लेते मानते तो मुंत जारूद को भी मान लेते लेकिन हर जगह नहीं सूरह हुजरात, सूरह नंबर फोटी नाइन आयत नंबर सिक्स में अल, अल्लाह ताला ने कहा इन जयम फासिकुम बिन अब इन अगर तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर खबर लेने खबर लाने वाला अगर कोई खबर लेकर आए तो चेक कर लिया करो तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप यह मत देखो कि सुन्नी किताब है या शिया किताब है दोनों को भी चेक कर लीजिए दोनों को भी चेक करिए क्योंकि ये जो गिरोह है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं यह गिरोह ने शिया को भी भटकाया और बाद सुन्नियों को भी भटका दिया बड़ा खतरनाक गिरोह है ये गिरोह से 99% शिया अपने आप को नहीं सके और वन परसेंट सुन्नी इनके नरगे में आ गए वन परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट सुन्नी बच गए लेकिन नाइन्टी नाइन परसेंट नरगे में आए ये वो तारीख़ का एक गिरोह है जिसकी पहचान कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और एक नाइन्टी नाइन परसेंट मैंने इसलिए कहा इसलिए कि वन परसेंट ऐसे भी शिया हैं राफिदी हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को चेंज किया बल्कि उन्होंने खिदमत की हैदराबाद से नवाब अल्ला, अल्लामाम नवाब नवाब वहीदुलज़माँ हैदराबाद एक बहुत बड़े शिया आलिम थे लेकिन वो चेंज हुए तो उन्होंने कुतुब सित्ता का भी तर्जुमा किया इस हद तक चेंज हुए कि कुतुब हदीस से उनको मोहब्बत हुई और उन्होंने उर्दू में तर्जमा तक किया जबकि वो सबका दौर में शीह थे अलामा इमाम शौकान रहमत शी आल थे लेकिन जब वो चेंज हुए तो उन्होंने नैलवार एक ऐसी किताब लिखी कि फ़िख़ की दुनिया में सबसे बेहतरीन किताबों में शुमार होती मदीना सिटी में हमको सिलेबस में पढ़ाया जाता है सिटी में हमको सिलेबस में पढ़ाया जाता है अंदाजा लगाइए आप कि आज चेंज भी हुए हैं कई शिया लेकिन वो वन परसेंट वरना अक्सर नाइन्टी नाइन परसेंट शिया उस फसादी गिरोह का असर ले चुके हैं जो तारीख में जिन्होंने सहाबा कराम के दरम्यान जो वाकयात हुए हैं उसको उन्होंने जो गलत बयानी की उसकी वजह से बात के लोग भटक गए आइए समझने की कोशिश करते हैं ये वो गिरोह कौन है आकर ये गिरोह है मजूसियों में से थोड़े यहूदियों में से थोड़े और मिस्रियों में से थोड़े ये तीनों मिलकर एक गिरोह बनता है जिसको सबाई टोला कहा जाता है जिनको मजूसियों से मुताफिर बाद में जिनको कराम ने राफिदी का लकब दिया ये राफिदी असरानंदाज हुए शिया पर 99 परसेंट और सुन्नियों पर असरानंदाज हुए कम से कम 1 परसेंट सुन्नीयों पर हो गए राफि ये वो राफिदी गिरोह जिसको बाद में राफिदी का लकब मिला लेकिन शुरू में इनकी जो बुनियाद पड़ी अब्दुल्ला बिन सबाह कौन है अब्दुल्ला बिन सबा यमन से एक यहूदी आता है तआला के ज़माने में इस्लाम कबूल कर लेता है वो ऊपर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से इस्लाम के बारे में वो जबरदस्त दुश्मनी रखता था इसके साथ साथ हो गए कौन वो किसरा को मानने वाले उमर रजी अल्लाह ज़माने में ये किसरा की किसरा की पट्टी पर तकरीबन सत्रह कंट्रीज में स्प्लिट हुआ उस ज़माने में जो किसरा था आज के ज़माने में अगर आप आइडेंटिफाई करें उजबेकिस्तान अफग़ानिस्तान पाकिस्तान इराक़ ईरान ये जो पूरे मकामा आप देखते हैं यहाँ तक कि हिंदुस्तान तक आता पुराने ज़माने का किसरा है यहाँ पर फारसी ज़बान बोली जाती है इसको फारस हुकूमत कहते उमर के तमाने में सात बिन अभी वक्स रजय अल्लाह तहबा कराम ने इस तरीके से हमला किया कि किसरा की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई तो किसरा की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको ऐसा लगा जैसा कि बेइज्जती हो गई क्योंकि उनकी जो अवाम है वह साहब कराम के अखलाक से मुतासर होकर अवाम सहाबा के साथ हो गई तो लीडर क्या हो गए खुद ब खुद उनको जलील होना पड़ा क्योंकि उनका आवाम भी साथ नहीं दे रही क्योंकि साहब इक्राम के इतने अच्छे अखलाक थे साहब अकराम के इतने अच्छे किरदार थे किसकी वजह से जहाँ जाते थे आवाम उनके साथ हो जाती थी तो जो मुखालफिन वो लीडर भोखला जाते थे तो उन्होंने देखा कि हमारी तो कुछ नहीं चलेगी तो उन्होंने एक नया तरीक़ा अपनाया वो क्या अपनाया ऊपर से मुस्लिम मंजा और अंदर से छुप कर इनसे बदला लो अनसज अल्लाह तहते हैं जब तक हम अजमियों से ईरानियों से हम मिले नहीं हमको मालूम नहीं हो सका कि झूठ का मतलब क्या था यानी वो लोग झूठ कहना हराम है तो कहते अच्छा झूठ इसको कहते हैं क्या कब पता चला जब हम इराक़ और ईरान की तरफ सफ़र करने लगे तो आप अंदाज लगाइए कि वो एरिया में कितना झूठ बोला जाता था ऊपर से मुसलमान और साहब है कराम इतने अल्लाह वाले इतने सीधे सादे अगर कोई कलमा पड़ता था तो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन दिल की कैफियत तो जानने वाला अल्लाह है अब्दुल्ला बिन सबा यमन से आया यहूदी उधर से मजूसी आए उधर से मिस्री औबाश आए इन तीनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या थी ऊपर से मुस्लिम लेकिन अंदर से मौका मिलते ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना। ये जो गिरोह है बाद में ये सारे वाकयात का जिम्मेदार है जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ चाहे वो शहादत है उमर रज्ला तमर रजाल्ला तहि करने वाला कत्ल करने वाला कौन है फेरोद अबुलू मजूसी कहाँ से उसका ताल्लुक है मजूस से वही फ़ारस की हुकूमत अब यहाँ पर एक हदीस शरीफ सही बुखारी हदीस नंबर सात हजार छियानवे सेवन थाउजेंड नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन और हंड्रेड इमाम बुखार रहमतुल्लाह ला ने फितना या फितन के नाम से बाप बांधा और उसके अंदर ये जो रिवायत नकल की है इस पर गौर करने की ज़रूरत है उमर रजी अल्लाह एक दिन कहते हैं और मजलिस में कौन बैठे हदेफ़ा रजी अल्लाह तआला और शकीक इसके रावी हैं रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हदेफ़ा रजी अल्लाह तआला ने हमसे बयान किया कि उमर रजी अल्लाह तजलिस में बैठे हुए और वो पूछते हैं कि फितना क्या है तो हुदेफा रजी अल्लाह तैन कहते हैं फितना तो रजुलफी माल ही व अहल ही आदमी का फितना आदमी आजमाइश में या गुनाह में कब आता है जब अपने घर में होता है माल की फरावानी होती है तो वो कभी कभी दीन में पीछे हो जाता है तो उसके मिटाने का तरीक़ा ये है कि आदमी सदक़ा करे ख़ैरात करे इताद करे और रज़ी अल्लाह कहते हैं मैं उस फितने के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं उस फितने के बारे में पूछ रहा हूँ ये तमूज का मौजिल बहर जो समंदर में ठाटे मारते हुए ठाटे मारते हुए समंदर की तरह जो फितने उम्मत में आने वाले हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत में बहुत जल्द ठाटे मारते हुए फितने जो आएंगे वो फितना कब शुरू होगा मैं वो वो पूछ रहा हूँ वो कब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए हुदैफा अदेफ़ा हदेफा रजा तन कौन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रास की बातें बताया करते थे फितनों के बारे में फितनों के बारे में उनको बताया करते थे तो उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कुछ मालूम दी है क्या वो बड़े बड़े फितने कब से शुरू होने वाले हैं ये छोटे छोटे फितने की बात नहीं कर रहा हूं तो हुदैफा रजी हदेफा रजा कहते हैं ए उमर एमर रजाल्ला तैन वो जो ठाटे मारते हुए फितने बड़े बड़े आने वाले हैं ना उसके दरमियान एक दरवाज़ा रुकावट में है जब ये दरवाज़ा ये दरवाजे से जब पार होंगे तो तभी जाकर ये उम्मत में फितने आने वाले हैं जब तक उम्मत में फ़ितने बड़े बड़े नहीं आने वाले तो मर रजा अल्लाह पूछते हैं अः हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ते भी बता दीजिए कि वो दरवाज़ा जो रुकावट बना हुआ है और जब वो फितने अंदर आएंगे तो ये फितने उस दरवाजे को खोल कर आएंगे या फितने ये फितने दरवाजे को तोड़ कर आएंगे और युक्सर तोड़ दिया जाएगा दरवाजा या ये दरवाजा खोल दिया जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वर्ड अदा किया है जरा वो तो बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दरवाजा खुलेगा तो फितने आएंगे या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि दरवाजा टूटेगा तो फितने आएंगे तो हजेपा रज़ियल्लाहु अल्लाह कहते हैं कि मैंने बहुत ही संजीदगी के साथ सुना है और इन अल्फाज को मैंने नोट कर लिया है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खुलने की बात नहीं की अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा टूटने की बात की इसका मतलब टूटेगा तो उमर रजा अल्लाह कहते हैं फ़ैज़ल्ला अगर दरवाज़ा खुलता है तो बंद करना आसान होता है दरवाज़ा टूट जाता है तो फिर बंद करना मुश्किल है इसका मतलब निकला कि ये फितने 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 दर फितने ये फितने दर फितने फैलते चले जाएंगे उसके बाद हदेफा रजी अल्लाह ते पूछते हैं रावी अय हदेफा रजा अल्लाह तन वो दरवाजे से मुराद है क्या तो हदेफा रजी अल्लाह कहते हैं कि वह दरवाजे से मुराद उमर रज़ी अल्लाह की तख्सियत कि जब तक उमर रज़ी अल्लाह तैन थे फितना करने वालों की मजाल नहीं थी कि वो उमर रज अल्लाह तैन को लेकर खेल सके या उनके पॉलिसीज को लेकर खेल सके या उनके स्ट्रैटजीज को लेकर खेल सके इतना हर जगह पर पकड़ थी कि कोई फितना करने वाला पर भी नहीं मार सकता था ऐसा ज़बरदस्त उनका मुजाहरा था ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत थी रावी पूछते हैं कि क्या वो वो दरवाजे से मुराद कौन है तो हदय फा रज अल्लाह तहते हैं कि वह दरवाजे से मुराद उमर अल्लाह रजा फिर रावी पूछते हैं आपने जब उनको हदीस सुनाई तो क्या उमर रज अल्लाह तक मालूम हो चुका था कि इससे मुराद वही है मुराद तो कहा कि कल का कल के आने वाली रात का जितना यकीन है ना उससे भी ज्यादा उमर रजा ताप चुके थे कि इसमें इशारा मेरी तरफ है कि जब मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा तो कितने शुरू होने वाले उमर रजा अल्लाह तहादत का वाक़ पेश आया और उनके बाद को खलीफा नामजद कर दिया गया अब जैसे उस्मान रज अल्लाह खलीफा नामजद कर दिया गया तो जो फितना करने वाले उमर रज अल्लाह ज़माने में पर नहीं मार सक रहे थे उस्मान रज अल्लाह तमाने में उनको जरासा फैलने का मौका मिला क्योंकि उस्मान रजा तटेजी क्या थी अगर कोई फितना करने वाला आके उनको मार भी रहा है तो उनकी स्ट्रैटी ये थी मुझे मार लो लेकिन उम्मत में तफरखा मत डालो मुझे ख़त्म कर दो लेकिन मुसलमानों में तफरक़ा होने ना पाए यानी मतलब यह है कि वो थोड़ा उससे सामने वालों को थोड़ा सा मौका मिल रहा है कि जरा सा और भी फितना कर ले थोड़ा और भी फितना कर ले उस्मान रजी अल्लाह भी कोई मामूली शख्सियत नहीं कोई बुजदिल शख्सियत नहीं है ये उम्मत के शफक्त और उम्मत के रहमत और उम्मत पर हमदर्दी के खातिर उन्होंने कुछ फैसले लिए लेकिन आप जानते हैं उनके दौर में भी काफ़ी इस्लाम फैला उज़्बेकिस्तान तक पूरी फारस की कमर तोड़ दी गई उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में वेस्टर्न सहारा तक इस्लाम फैला कोई मामूली शख्सियत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो जलाल है उमर रज़ी अल्लाह तआला से तो शैतान भी भाग जाता है और दूसरी अपना अपना रास्ता बदल लेता है वो वाली कैफियत में अल्लाह व तआला ने हर फल का मज़ा अलग रखा है हर शख्सियत की अपनी खसूसियतें होती हैं लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में और भी वजूहत ये कि जब ज़्यादा रकबा फैल भी जाता है तो थोड़ा कंट्रोल कम भी हो सकता है उसमें थोड़ा सा मौका पाकर अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी था वो मुसलमान होता है यमन से आता है कलमा पढ़ता है माव्या रज़ी अल्लाह कहा है ओसमान दरा अब्दुल्ला बिन सबा की चालों पर नज़र रखो बड़ा ख़तरनाक आदमी दिख रहा है सहाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बतला रहा है मुझे यकीन नहीं होता कि सहाबा इकराम ऐसा करेंगे रज़ी अल्लाह माब उसने कहा कि दिमस जाकर उसने देखा यहाँ पर भी मेरी दाल गलने वाली नहीं वो कोशिश किया कूफा की तरफ देखा कि यहाँ पर बहुत दाल गल सकती है यहाँ तो एक से एक है एक ढूंढो तो हरार मिलते अकूफ़ी लायूफी मशहूर है कूफा मतलब भरोसा मत करो अलकूफ़ी लायूफी लायूफी माने वफ़ादारी नहीं करेगा कूफा के बारे में मशहूर है, यहां है। कि यहाँ पर दगाबाजी है कहा कि यहाँ पर है उस वो आइडेंटिफाई क्या कोसा एरिया में मिसर की तरफ जाता है यमन की तरफ जाता है दिमश की तरफ जाता है मक्के की तरफ जाता है मदीने की तरफ़ जाता है देखता है हर जगह का मामले कि वो तह तक जाता है कहाँ पर भोले लोग हैं कहाँ पर सियासी लोग हैं दिमश की तरफ देखा कि यहाँ तो बड़ा तेज़ आदमी है माव्या रजा अल्लाह तो अब जाहिर बात है जिससे आदमी बिचकता है ना उसके खिलाफ भी काफ़ी कॉन्स्पेरेसी करता है माव्या रजी अल्लाह त खिलाफ़ अब ये शख्स हदीसे घड़ने लगा हदी से घड़ने लगा साथ साथ में कौन है जो रावी आपको मैंने गुना अबू मुखन्नफ टेड़ा रावी बशकर है ना ये रावी सिर्फ तबरी तारीख़ तबरी के अंदर पाँच सौ सतासी रिवायतें हैं जो सिर्फ एक रावी से आई और जितने सहाबा के बारे में तानो तशनी वाली रिवायतें इससे होती आती मोहम्मद बिन अल कलबी डेंजर रावी है। जाबिर बिन यजीद अल अलजौी डेंजर रावी साफ बिन उमर ये चारों बड़े ख़तरनाक रावी जितने तारीख में फितने हुए और शिया और सुन्नी के जो दो बड़े गिरोह बनाने की कोशिश हुई है ये सब इन रिवायतों के वैसे जो चार लोगों ने मिलकर खेला तो अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी सबसे पहले जिसने झूठ की बुनियाद डाली वो अब्दुल्ला बिन सबा, इसको देखकर बाकी के लोगों को हिम्मत आई ये जितने जो रावियों का मैं नाम धिकर कर रहा हूँ यह सब लोगों को हिम्मत आती है अब्दुल्ला बिन सबा सबसे आकर सबसे पहले आकर वह अली रद्ल तान में अली रद्ल तन की शान में वो आकर बड़े बड़े ऐसे ऐसे अखीदे फैलाने लगा कि उसने कहा कि ईसा आल सलाम वापस आने का तुम्हारा अकीदा है मोहम्मद सल्लाम तो उनसे भी अफजल है ना तो वो भी आएंगे वो भी आएंगे और उसके बाद उसने कहा अः अली रजी अल्लाह तुम तो आले बैठ हो तुमको बड़ा मकाम मिलना चाहिए था खलीफा अव्वल तुम होना चाहिए था ये अबू बकर रजी अल्लाह तैसे बन गए या उमर रजी अल्लाह तैसे बन गए ये ओसमान रज अल्ला कैसे बन गए नए नली रज अल्लाह त मकाम बड़ा होना चाहिए था अब ये जो मजूसी हैं मजूसियों का जो बैकग्राउंड ग्राउंड है ये लोग पहले किसको मानते थे यजद गर्द किसरा के बादशाह का नाम था यजद गर्द यज गर्द का माना यज माने खुदा यजदानी हमारे पास भी रखते लोग नाम सही नाम नहीं हो यज गर्द यज माने खुदा गर्द माने वाला यानि अल्लाह वाला वली तो ये जो मजूसी हैं पारसी हैं आग की पूजा करने वाले हैं ये अपने बड़े का नाम रखते थे यशद गर्द लकब रखते थे तो ये यशद गर्द का अकीदा क्या है कुर्सी पे बिठाते थे उस बादशाह को और उनका अकीदा क्या था ऊपर जो खुदा है इस शख्सियत में घुलता और मिलता है ये शख्सियत जो भी कहेगी वो खुदा का फैसला होता है तो मजूसियों के लिए यह अकीदा एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो गया जो उसने अब्दुल्ला बिन सबा ने जो अकीदा पेश किया वो मजूसियों को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो गया क्योंकि ऑलरेडी वो अकीदा रखा करते थे तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये मक़ाम अगर मिल सकता है तो रज़ अल्लाह तक वाल बैत के सहाबी किस को कहते हैं मन लक़यनबी मन या सल्हु वस मिनन व माताली जो नबी सल्ला वसम से ईमान की हालत में मुलाकात करे और उसी पर मौत हो तो साहबी उसको कहते हैं और आलेत नबी अलैहि सल्हल के घराने हज़रत आली रजी अल्लाह तैन हज़रत हसन रजा अल्लाह तन हज़रत हुसैन रजी अल्लाह फातिमा रजी अल्लाह त एक तफ़िर के मुताबिक लेकिन अमूमी तफसर के मुताबिक जो भी कलमा पड़ता है वो आले बैत। जो भी ईमान लाए वह आले बैत है अमूमी तफसर के मुताबिक अब ये जो आले बैत और ये साहब करम इसने कोशिश की कि आले बैत और सहाब कराम के दरमियान फ़र्क करते हुए दो गिरोह पैदा कर दे मुसलमानों में दो गिरोह पैदा कर दे आले बैत को मानने वाले साहब कराम को मानने वाले जिस तरीके से ईसा आसलात सलाम के आसमान में उठाए जाने के बाद एक पॉल यहूदी आप जानते हैं पॉल पॉल जो एक यहूदी था वो अचानक आकर कहता है कि आज से मैं ईसाई हो चुका हूँ जबकि ईसा सलातम ज़माने में तो ये ईसाइयों का दुश्मन था लेकिन जब ईसा आलात उठा लिए गए तो ये शख्स आया और आकर कहा कि मुझे बादलों में से आवाज़ आई और आज से मैं ईसाइयों का साथ दूंगा ईसा के मानने वालों का साथ दूंगा उसने ऐसे ऐसे, ऐसे अकीदे बताए पूरी कौम को कि ईसीतम की तलीमत कहीं और रह गई और इसने एक ऐसे बताए कि पूरी ईसाई टू पॉइंट वन बिलियन ईसाई आज पॉल को मानते पूरे मजहब के मज़हब को बिगाड़ दिया उसने। यहूदी बड़े चालाक होते वो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरे मजहब को सेम वही यहूदी चाल। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी है उसने भी आकर पाल का फॉर्मूला अपनाया कोशिश की कि मुसलमानों को पूरे उनके असली रिलीजन से निकाल के दूर कर दे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका एक राफिजी के जैसा गिरोह तो पैदा हुआ मुसलमानों के दरमियान लेकिन सुन्नियों की आज भी 92 परसेंट मेजॉरिटी आज भी 92 परसेंट मेजारिटी उस राफीत के खिलाफ है सात आठ परसेंट लोग मुताफिर हुए होंगे लेकिन वह पॉल के जैसा कामयाबी तो पॉल के जैसी कामयाबी तो नहीं मिल सकी अल्लाह सुबहान तला का खास फजल है सुम्मत के लिए लेकिन कोशिश तो उसी की गई उस अब्दुल्ला बिन सबाह ने क्या क्या लोगों का जहन मनाया उस्मान रज़ी अल्लाह के खिलाफ क्योंकि उस्मान रजी अल्लाह तआला के रिश्तेदार थे मुआविया रजी अल्लाह तआला देखता था कि अरे उस्मान रजी अल्लाह तआला के अतराफ़ में मरवान बिन हकम है बड़े तेज़ लोग हैं मरवान बिन हकम को मरवान बिन हकम आठ साल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम जब मौजूद थे तो उस वक्त पर इस बच्चे की उम्र आठ साल थी जब ये बच्चा जो इनके वालिद साहब कलमा पढ़े इन्हें आठ साल की उम्र में इस बच्चे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है इसका मतलब सिगार साहबा में से लेकिन इतने तेज़ और थे कि अब्दुल्ला बिन सबा कुछ तेज़ आदमी दिख रहा है कोई सहीदी नहीं दिख रहा है तो उस्मान रजी अल्लाह के जो ततराफ लोग थे बड़े तेज़ लोग थे मुआविया रजी अल्लाह इसकी पूरी कोशिश होती थी कि किसी तरीके से इस शाक़िले को ये जो स्ट्रक्चर है उस्मान रजी अल्लाह का इसको तोड़ दे तो उसने क्या किया आले बैत के बहाने सहाबा को अलग करने की कोशिश की एक ताकि दो गिरोह बन जाए मुसलमानों तो उमर रजी अल्लाह ने ऐसा होने नहीं दे रहे सहाबा और आले बैत ऐसा कोई फ़िरका ऐसा कोई गिरोह ऐसा कोई वाक़ा ऐसा कोई फितना उस ज़माने में नहीं हो पा रहा है क्योंकि उमर रजा तुम सब को हर जगह पर हर एक की चालों पे नज़र है तो उमर के ज़माने में तो मौका नहीं मिला लेकिन ओसमान के ज़माने में अब्दुल्ला बिन सबा मजूसी लोग और मिस्रियों ने मिलकर एक ख़ास कस्म का कम्युनिकेशन बनाया यूँ समझे कि उस ज़माने के मीडिया पर इन्होंने गलबा पाया हर जगह पर इनके मीडिया वाले इतने मौजूद थे तेज़ी के साथ गलत फहमिया पैदा करना है जहाँ कहीं पर भी मौका पैदा हो रहा है सहाबा और आले बैत में कुछ भी अगर हो रही है तकरार तो ये लोग उसको यूज़ करना जानते हैं और सहाबा और आले बैत को पता तक नहीं हो रहा है कि कोई है जो उनको यूज़ भी कर रहा है बाद वक़्त पता चल रहा है तो ऐसे वक्त पर झूठ बोल कर वो लोग निकल रहे हैं माफ़ी मांग कर निकल रहे हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम पर पूरी तरीके से इन्होंने गलबा पा लिया अब क्या हुआ देखिए आगे उस्मान रज़ी अल्लाह तक के पास मिर् मे से लोग आते हैं और आकर कहते हैं आपने जिसको अपॉइंट किया अब्दुल्ला बिन अभी सराह यह शख्स अच्छा नहीं यह शख्स जो है अच्छा नहीं है हालाँकि कौन है मिसर अमर बिन आस रजा अल्लाह तन के फ़तह करने के बाद मिसर को संभालने वाले और अफ्रीक़ा फ़तह कर आज अफ्रीका में कम से कम बीस के करीब ममालिक हैं इन सबको फतह करके देने वाला अब्दुल्ला बिन अभी सरा लेकिन क्योंकि अगर ये मजबूत लोग आपस में रहेंगे गलत फहमियाँ दूर अगर नहीं करेंगे गलत फहमिया अगर नहीं डालेंगे तो फिर ये लोग अपने चाल में कामयाब नहीं हो सकते तो उनको चाल में कामयाब भी होना है तो बिन नबी सराह के बारे में मिसरी कुछ औबाश आते और आकर कहते हैं हमारी शिकायतें इस आदमी को हटा दिया जाए अली रजा तन सब साहब अक्राम के पास जाते स्स्मान जा, रज़ी अल्लाह हमारी बात नहीं सुन रहे स्स्मान रजा अल्लाह हमारी बात नहीं सुन रहे बहरहाल स्मान रजी अल्लाह कहते हैं कि ऐसा करते हैं अबू बकर रजी अल्लाह तैन के बेटे बड़े नेक हैं। इनको मिसर का वाली बना देते हैं ताकि अख्तिलाफ़ ना हो क्योंकि अल-उस्मान रजा अल्लाह तैन हमेशा अख्तलाफा से बचना चाहते थे शिकायत आई चलिए भाई इसकी चेक नहीं करेंगे ज़रा हट जाओ भैया आप ज़रा हट जाओ भाई चलो मसला हल करते हैं क्यों कन्फ्रेंट्रेशन हो क्यों आपस में तसाद हो क्यों आपस में टकराव हो तो अब्दुल्ला बिन अभी सराह ने भी बड़ी इज्जत की चलिए भाई मिसर छोड़ते हैं अब यहाँ पर मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तसर की तरफ जा रहे उस्मान रजी अल्लाह तन का पेपर लेकर कि अब से मुझे मिसर का वाली बना दिया गया है मुझे अपॉइंट कर दिया गया है और खलीफा ने कह दिया बस उस ज़माने में लोग इतात करते थे मोहम्मद बिन अभी बकर रजी अल्लाह तारे हैं रास्ते में एक गुलाम जा रहा है तेज़ी के साथ एक तेज़ी के साथ ग़ुलाम जा रहा है मोहम्मद बिन अबी बकर उनके साथी कहते हैं कि भाई ये कौन जा रहा है हमसे पहले पहले पकड़ा गया कौन है कहा कि भाई मैं ये हूँ अरे ये तो उस्मान रजी अल्लाह का गुलाम है ये कहाँ जा रहा है हमसे पहले और ये उस्मान रज़ी अल्लाह तुन उनकी सवारी है कहाँ तुम्हारे पास कहाँ है तुम कहाँ जा रहे हो शक हो रहा है तुम पर नहीं नहीं मेरे पास एक पेपर है वो पेपर मैं मिसर वालों को देने जा रहा हूँ भाई मिसर के तो हाकिम मोहम्मद बिन अबू बकर अबू बकर रजील्ला के बेटे मोहम्मद रजी अल्लाह ताली ने ये हाकिम है कौन से हाकिम की तुम बात कर रहे हो पेपर निकाला गया तो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर सील उस्मान रज अल्लाह की वो पेपर जो खिलाफत के दरबार से निकलता है पेपर वही है और उसमें लिखा हुआ है उस्मान तआला से ये खत निकल रहा है अमीर और वाली मिसर अब्दुल्ला बिन अभी सराह के लिए ये कहते हैं कि हमको वाली बनाया गया फिर उस्मान तो ये धोखे वाली बात क्या कर करे तो धोखा हुआ ये तो बेवफाई हुई पहले तो मुझे अपॉइंट किया गया और उसके अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद बिन अभी बकर के लोग आ रहे हैं इनको चुन चुन के मार देना अच्छा अब यहां पर गौर करिए आप एक आदमी अगर उस्मान रजी अल्लाह तला ने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सनद में तो हम बाद में जाएंगे सनद आप तहकी करके देख लीजिए यही मन घड़त किताबें यही मन घड़त रावियों से मिलेंगी जो मैंने आपको शुरू में बता दिया उसका मतन भी देखिए अल्लाह ने हमको कॉमन सेंस भी दिया उस्मान रज़ी अल्लाह तेजना और जो ग़ुलाम है वो इनके नज़रों में से आके जाएगा क्या उस ज़माने में दूसरे पहाड़ों पर से जाने का रास्ता नहीं था क्यों इनकी नज़रों में आए ताकि पकड़े ताकि शक अच्छा हो जाए ताकि शक मजबूत हो जाए और पेपर और जब ये चेक किया वापस मोहम्मद बिन अभी बकर रज़ी अल्लाह आकर आग बगोला होते भाई मुझे कतल करने के लिए इतनी बड़ी साजिश अरे उस्मान रज़ी अल्लाह तो क्या हो गया है आपको उस्मान रज़ी अल्लाह रज़ील्ला कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने ऐसा कोई ना पेपर लिखा है ना ऐसा कोई मैंने हुक्म जारी किया अब बाद लोग क्या कहते हैं नहीं नहीं मरवान ने किया होगा क्योंकि मरवान रजी अल्लाह तैन स्मान गनी रजी अल्लाह तैन के खान उनके ख़ानदान से हैं और लोग इनके बारे में पहले से ही बहुत सारे डाउट्स में मुबला थे तो कहते हैं कि शायद ये थे लेकिन हकीकत मार्किन ने यहाँ तक कहा कि मरवान बिन हकम भी नहीं हो सकते रजी अल्लाह तआला तुई चांसी नहीं होने ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी का जो टोला था असल में ये कम्युनिकेशन के ऊपर जो कम्युनिकेशन सिस्टम था इसके ऊपर इनका चूँकि गलबा था ये सारे इस बारे में बड़े माहिर थे कि पेपर और बाकायदा सील इस्तेमाल करके इन्होंने मुकम्मल एक सिस्टम बनाया लेकिन मोहम्मद बिन अभी बकर गुस्से में थे और आए और आकर उन्होंने उस्मान गनी तक दाढ़ी पकड़ ली उस्मान रजी अल्लाह कहते हैं अय महम्मदिन अबी बकर कम से कम इस दाढ़ी की कदर किया कर तेरा बाप अबू बकर रजा तन इसकी बड़ी क़दर किया करता था इसकी बड़ी क़दर क्या करते थे वो और अबू बकर रजाल्ला हमें इज्ज़त दिया करते थे कम से कम उनका तो ख्याल करो जैसे उनका नाम लिया गया तो मोहम्मद बिन अभी बकर रजाल्ला तन यही बड़े नेक इंसान थे सचदे क्या करते थे बड़े अल्लाह वाले इंसान थे जैसे ही बाप का नाम आया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ मुझे तहकीक कर लेनी चाहिए थी छोड़ देते लेकिन जो अतराफ़ के लोग थे शरारती वो नहीं चाहते थे कि ये मसला ये मौका हाथ से गंवा दे क्योंकि अब खतल करेंगे तो अच्छे तरीके से गलत फहमी पैदा हो सकती है अच्छे तरीके से उम्मत को तोड़ा जा सकता है मुसलमानों को तोड़ा जा सकता है क्योंकि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर है उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया उन्होंने कतल कर दिया हसन बसरी हमतल कौन है जानते शियाबी इनकी इज्जत करते हैं सुन्नी बी की इज्जत करते हैं हसन बसीर रहम्ला है ताबई है हसन बसी रहमत सारे सारे सूफी इनको चाहते हैं सारे शिया सारे सुन्नी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं इनकी किताबों में वाकत भरे हुए हैं हसन बसी रहमत् से पूछा गया उस्मान रजी अल्लाह को तत्ल करने वाले कोई सहाबी अनसार और महाजरीन में से कोई थे क्या तो हसन बसी रहमत लाला कह रहे हैं कि जिस वक्त पर उस्मान रजी अल्लाह शहादत का वाक़ पेश आया मैं उस वक्त पर मौजूद था मैंने देखा ये वाक़ा का तारीख़ खलीफ़ा बिन खयात बड़ी मुख्तर किताब है अगर ये पूरी मिल जाती ना पूरी पोल खुल जाती लेकिन पूरी नहीं मिली आज के दौर में मिली कराम ने उसको छापा है बाकी के मनगड़ तारीख़ी किताबें तो बहुत मिल तारीख़ी एतबार से बहुत अच्छी अच्छी किताबों में अगर है तो तारीख तारीख खलीफा बिन खयात की किताब है इस किताब के अंदर हसन बसी रहमत का कौल है कि हसन बसीमत कहते हैं कि मैं उस वक्त पर मौजूद था शहादत मैंने देखा कि महाजरीन में से एक भी नहीं था कि जिसने रज अल्लाह ने्ला के ऊपर हाथ उठाया हो इसका मतलब क्या निकला साहबा पूरे बरी हो गए वो शरारती लोग थे जो उन सहाबा के अतराफ़ में लगे हुए थे उन्होंने मौका पाकर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को ततल कर दिया चले फिर बात आगे बढ़ती है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का वाक़ पेश आया अब ऐसे वक्त पर दो गिरोह सामने आए एक गिरोह वो है कि जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन के शहादत के बाद खलीफा कौन बने अली रज़ी रज़ी अल्लाह तआला अली अल्लाह तआला अन के हाथ पर उन्होंने बैत तो कर ली लेकिन उनको एक डाउट था बैत तो कर ली उन्होंने खलीफा मान लिया बैत कर ली लेकिन उनको डाउट था कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन के खतल करने वालों को अली रजी अल्लाह तो सजा क्यों नहीं दे रहे ये लोग को ऐसी तरह छोड़ दिया जाए आज ये खलीफा को मारेंगे कि कल किसी और खलीफा को मारेंगे नतीजे में इनका तो गलबा बढ़ जाएगा तो इनको तो सजा देनी चाहिए थी और अली रजी अल्लाह तआला अन की बैत करने वाले यही गौन यही शरारती लोग मिलजुल कर फिलहाल अली रजिला की बैत क्यों कर रहे हैं सवालात उस जमाने में ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप करें भाई क्यों लिया अब ख़िलाफ़त तो वहाँ से जो आप हारा इसलिए कि रहता तो नहीं उस ज़माने में कम्युनिकेशन गैप्स के चांसेस बहुत है आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी गलत फहमी है फलां आपके बारे में ऐसा कह रहा है तहकीक नहीं करते फ़ोन उठा के पूछते तक नहीं उन्हों ऐसा उनके अब्बा भी ऐसे ही थे ख़त्म शुरुआती बात लेकिन उस ज़माने में उस ज़माने में चांसेस बहुत है गलत फहमी में तो कई लोग हमारे जब तारीख़ पढ़ते हैं तो उनको ये पता नहीं होता ऐसा कैसा होता भाई ऐसा कैसा आप बता रहे हैं परस्पेक्टिव क्योंकि गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हकीकत जब बताते हैं तो लोग इसमें शक करते हैं उसके बारे में ज़रा भी उनको ना कॉमन सेंस जागता है ना उनके दिमाग में कोई सेकेंड थाट आता है क्यों तहकी से पढ़ना हमने छोड़ दिया है कुरान तफसीर पढ़ते हैं तहकीक़ के साथ हदीस पढ़ते हैं तहकीक़ के साथ लेकिन तारीख़ पढ़ते हैं तो तहकीक नहीं कर पाते नतीजे में गलत राय कायम कर लेते हैं अल्लाह पाक ओसमान रज़ी अल्लाह तहादत के बाद सवाल ये उठा एक गिरोह को जिन्होंने बैत कर ली उसमें कौन है हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताली हजरत ज़ुबैर बिन आवा रजी अल्लाह तै तला बिन आबैद रज़ी अल्लाह तैन आप जानते हैं तलहा कौन है अशर मुबशरा में से ज़ुबैर रजी अल्लाह तैन कौन है अशर मुबशरा में से आयशा रजी अल्लाह तन का तो मकाम मरतबा ये है कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह अल्ला की वो अल्लाह सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवज़ मतहरा और हमारी माँ है इतना ऊंचा मक़ाम रखने वाले लेकिन इनके दिमाग में सवाल आया हम ऐसे कैसे छोड़ दें खातिल मान उस्मान कोस्मान रज़अल्ला कतल तो करने वालों को ऐसा छोड़ेंगे तो हम मुस्तकबिल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है अब यहां से इन्होंने इरादा किया कि एक लश्कर तैयार करेंगे ताकि अली रजी अल्लाह तआला अन को हिम्मत हो जाए कि भाई हमारे पास लश्कर तैयार है वो जो शरारती है उन शरारतों को खत, का कतल किया जाए उनसे क़िसास लिया जाए ताकि खिलाफ खलीफा की जो अहमियत है लोगों के दहनों में बैठ जाए और दूसरे गिरोह वो था मुआविया रज़ी माविया रजाल सीरिया के जो उस्मान रज़ी अल्लाह था। के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इन्होंने कहा मैं खिलाफ मैं बैत ही नहीं करूँगा जब तक के उस्मान रज़ी अल्लाह तैन था। के कतल करने वालों का बदला ना लिया जाए उनसे क़िसास नहीं लिया जाए तो एक गिरोह वो है जिसने बैत नहीं की एक गिरोह वो है जिसने बैत की लेकिन साथ में उनके पास एक शर्त थी एक डाउट था अब नतीजा क्या निकला मक् का गिरोह मक्के में ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला तलहा रजी अल्लाह तआला हजरत आयशा रजी अल्लाह तह ने मशवरा किया नहीं कुछ होना चाहिए ऐसे कैसे हमारे खलीफा को मार दिया जाता और हम कुछ भी ना करें ऐसा तो नहीं होना चाहिए बड़ा तशवीशनाक मामला है तो इन्होंने जमे गफीर जमा किया और कूफा की तरफ चले गए और कोफा में जाकर कहते हैं कि हम वो का से बदला लेने के लिए आए तो फ़ौर इतला दी जाती है तली रज अल्ला को कि यहाँ पर कुछ लोग जमा हो रहे हैं तलहा रजी अल्लाह तैन भी है ज़ुबैर रजी अल्ला तैन भी है और ये सब कह रहे हैं कि ने ओसमान से बदला लिया जाए तो रज अल्ला तहते हैं कि नहीं नहीं मुझे मालूम है कि कबल है मैं ख़लीफा हूँ मैं जानता हूँ अभी मौका ऐसा नहीं है कि इनका बदला लिया जाए फिलहे हुकूमत को मुस्कम किया जाएगा पहले हम अपनी ताकत को जमा करेंगे अली रजी अल्लाह कह रहे थे अब ये वक्त नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह तक के कतल करने का ही टाइम लेते थे, थे। चूँकि हमारे पास कमज़ोरी है हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप से कुछ गिरो फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग हैं जो बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे दूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं इस वजह से तो कामयाब हुए हैं पहले हालात को कंट्रोल में करेंगे उनका इश्तहादी नुक़ः नज़र ये था कि थोड़ा टाइम के बाद बदला लिया जाए और यहां पर नुक़ः नज़र नहीं था कि नहीं अभी ले वरना फिर ये लोग और मजबूत हो जाएंगे और दरमियान में अब कम्यूनिकेशन गैप है किधर मक्का और मदीना किधर अब इनको जहन में ये बात बैठी जा रही अली रजी अल्लाह रजाल्ल्ला के जो अतराफ़ के लोग हैं ना वो शरारती लोग हैं दरअसल वो लोग हमको हैंड ओवर नहीं कर रहे हम काफिला बनाएंगे ताकि वो शरारतियों को अली रजी अल्लाह को वो शरारतों से नजात दिलाएं इधर अली रजी अल्लाह को ये गलतफहमी पैदा हो रही है कियशा रज़ अल्ला ज दो ज़ुबैर रजा तन और तलह रजाल्ला तन इनके अतराफ़ के शरारती लोग इसको मिसयूज़ करना चाह रहे हैं और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर उम्मत में तकसीम कर रहे हैं खिलाफत क़ायम होने नहीं दे रहे हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए ये ग़लत फहमी दूर होती यहाँ तक के जंग का माहौल बरपा जिसको कहते हैं जंग जमल जमल माने ऊटनी इस वाक़े के अंदर हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा को ऊंटनी पर बिठा कर लाया गया था क्योंकि दरमियान में जंग इस हालत में हो गई थी कि रुकना जरूरी है वरना साहबा एक करम खतल हो रहे हैं साहबा को कतल किया जा रहा है रोको रोको कोई रुकने वाला नहीं तलहा अल्लाह रजाल्ल्ला रोको कोई रुकने वाला नहीं उससे पहले कोशिश हुई सुलह की कोशिश हुई करीब में जब आपस में दो गिरोह मिलने से पहले जो बातचीत होती है तो उसके अंदर अली अल्लाह तआला ने कहा मैं बदला नहीं लूँगा नहीं कह रहा हूँ लूँगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद तो इनको समझ में आ गया इसका मतलब अली तआला बदला लेना चाह रहे हैं कातिल का खिसास लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम तो बात समझ में आ गई और इधर अली में आ गई कि ये लोग कुछ हमला करने वाले नहीं हैं लोग मान चुके हैं दोनों अच्छे तरीके से रात भर सो रहे थे अब यहाँ पर जो फसादी गिरोह है जो बाद में चल कर राफ़िरी जिसको मैं कहने वाला हूँ राफिरी की शक्ल में जो एक काफ़िला बनने वाला है गिरोह बनने वाला इन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों गिरोह मिल गए तो हमारा सफ़ाया हो जाएगा अगर ये दोनों मिल गए तो ये सब ये दो गिरोह मिल गए मिल गए तो फिर ये लोग चुन चुन कर उस्मान रजी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तैन उमर रज़ा तन ये सब फिर बदले लेंगे हमसे तो इसीलिए इब्ने इबन जुर्मूस एक शख्स आगे बढ़ता है और वो खतल कर देता है ज़ुबैर रजी अल्लाह तलहा रज़ी अल्लाह तैन का ख़ैमों में कतल होता है जैसे पता चलता है कौम को के खतल हो रहा है तो उन्होंने समझा शायद के अली रजा गिरोह में कुछ शरारती लोग हैं ना वो हमला किए हैं तो इन्होंने इधर से तीर बरसाने शुरू किए इधर अली रजा अल्लाह तैयार के पास ये बात मशहूर कर दी गई कि इनके पास काफ़ी शरारती लोग हैं और ये लोग कर रहे हैं बहरहाल नतीजे में लड़ाई होती है और हज़ारों लोग मारे जाते हैं बहरहाली रज अल्लाह तन जब जंग ख़त्म होती है कैसे ख़त्म होती है आयशा रजा अल्लाह तहा की जो ऊँटनी है जब वो ऊँटनी गिरती है तो अब काफ़िला कहता है कि भाई बस करेंगे तो रजा तन को फतह मिलती है अली रजा अल्लाह तैन देख रहे जायदा ले रहे किस किस का इंतक़ाल हुआ तो देखते हैं कि ज़ुबैर रजा अल्लाह तला रजाल्ला तैन सर उठा कर कहते हैं काश के मैं बीस साल पहले मर गया होता इतना तकलीफ दी कौन है तलहा रजी अल्लाह ओहद के मैदान में ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा डिफेंस किए तीर नहीं थे तलवार नहीं थे तो हाथों से डिफेंस किए ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तीर भी ना लगे यहाँ तक क्या आता है कि सारे उंगलियाँ कट गए आखिरी में हाथ हाथ बचा हुआ है वो हाथ से कर रहे हाथ छल हो गया वो है तलहा रजी अल्लाह तेकिन ऐसे जलील ख़दर साहबी का ऐसे इंतकाल हो गया लेकिन क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते थे कि साहब इक्राम का कतल हो उन्होंने चाह नहीं आप चैलेंज कर सकते चैलेंज कि कोई भी सहाबी जान बूझ कर किसी सहाबी का कतल करने का सोच भी नहीं सकता चैलेंज कैसे कर सकते आप कुरान के आयत है थे? चार जगहों पर है सूर्य तोबाबर नौ की आयत नंबर सौ में है सूर्य मैदास पांच के आयत नंबर उन्नीस में है सूर्य मुजादला सोरा नंबर एट के आयत नंबर बाईस में है सूर्य के नौ में है, रौदी अल्ला है वो अल्लाह से राजी जिस वक्त पर आयत नादिल हो रही थी तो अल्लाह गैब है कि नहीं है अल्लाह ताला गैब का जानने वाला है क्या को नहीं मानूम था बाद में जंग सिफिन होने वाली है जंग जमल होने वाली है वो जानने वाले नहीं कह दिया उसके बावजूद भी अल्लाह राधी इसका मतलब क्या निकला वो अनजाने में हुए मिसकम्यूनिकेशन में हुए गलत फहमियों की बुनियाद पर हुए सहाबा में जो भी वाक़ात हुए जान कर हुए ही नहीं आप चैलेंज कर सकते इस आयत की रोशनी में इतनी अहम आयत है लेकिन लोग नौजुबिल्ला, तारीख के झूठे खिस्सों की बुनियाद पर सहाबा पे शक जाहिर करते हैं उस्मान रजा ते तान करते हैं माविया रजाला पे तान करते और बड़े बड़े अकाबर सहाबाक राम मबूबकर रजाल तमर रजाल्ल्ला तान करते हैं तो इसका मतलब ना उन्हें सही तारीख़ पढ़ने का ढंग है ना कुरन और सही हदीस को पढ़ने का उनके पास ढंग है अब एक गिरोह जंग जमल इस तरीके से ख़त्म माविया रजा अल्लाह तीरिया से आते हैं और वह आयत कोट कर रहे क्या आयत ओमन क़ुतला मज़लूमन फ़कत जालनाली वली ही फ़लाह युसरफ फ़िलकल कि जो कोई मज़लूम मरेगा इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह उसके ख़ानदान में से कैसे को उठाएगा जो उस मज़लूम का बदला लेगा इस, इस आयत के मुताबिक मैं उस ख़ानदान का आदमी हूँ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के खानदान का आदमी कौन हूँ मैं हूँ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला तय अली रज़ी अल्लाह तआला तर आपसे नहीं हो रहा है ये ख़ातिल का बदला मैं लूँगा मेरे पास इतनी बड़ी इतना बड़ा लश्कर जर्रार है इतनी बड़ी ताकत रखकर मैं क्या करूँगा हमारे खलीफा को ख़तल करते हैं शरारती लोग और अली रज़ी अल्लाह तआला रुकावट बने हुए मैं आपके बैत नहीं करूँगा जब तक के आप हैंड ओवर ना कर दें खिलाफत क़ायम हो तो बैत तो करनी चाहिए इस मसले में ओलमा कराम ने कहा यह उनकी इस्तेहादी राय थी माविया रजा अल्लाह साहबी है हमें इज्जत करना फ़र्ज है इस्तेहादी तौर पर उन्होंने जो फैसला लिया उनके और अल्लाह के हवाले उनके और अल्लाह के हवाले इधर अली रजा कह रहे हैं कि अभी ये टाइम नहीं है कि अभी बदला लेते बैठू मुझे तो हाथ टाइम मिलना चाहिए मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा पहले मेरी ताकत को जमा करना पड़ेगा खलीफा होने के नाते खलीफा दे, बेस्ट डिसशन ले सकता है कि कब जंग करना और कब जंग नहीं करना है माविया रजी अल्लाह तैन कह रहे हैं कि नहीं ये अतराफ़ के शरारती लोग अली रजी अल्लाह को ऐसे बता रहे जैसे हम कमज़ोर पड़े हम कमज़ोर नहीं हैं अब होता है कि काफिले करीब आते हैं मैंने कहा जब भी ऐसा कोई तनाव वाला मसला आता है ना तो वहाँ पर ये क्या करते हैं ये जो गिरोह है फसादी गिरोह जिनको बाद में राफ़िदी के नाम से आप समझेंगे ये गिरोह पूरा मौक़ा उठाता है फ़ायदा पूरे मौके का फ़ायदा उठा लेता है यहाँ पर भी ग़लत फहमी डाली गई यहां पर भी जंग हुई यहां तक के बहुत सारे सहाबाम का कत्ल हुआ यहां तक के अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तत्ल हुआ नबी अक्रम सल्ला व्ल् ने पेशन गोई की थी इमाम जहाबी रमत ने जो तारीख़ की किताबें हैं जिसके अंदर मिक्स है तारीख़ की वो किताब सुन्नियों की किताबें जो मिक्स है सही भी है उसमें रईब भी गलत किताबें तो मैंने आपको बता दी जो मिस किताबें हैं अलविदा वन्हा इब्ने कसीर रमतल आल की इसमें सही भी है मन भी है रईफ भी है इब्ने कसीर रहमत आल का नाम सुनकर धोखे में नहीं आ जाना अ तारीख़ अस्लामी पचास जल्दों में इमाम जहाबी रहमत आल की इसके अंदर भी मिक्स बातें आपको मिलेंगी इसका मतलब सुन्नीयों ने भी किताबें लिखी तारीख में शिया हज़रा ने भी किताबें लिखी है लेकिन वो जो राफिजी जिन्होंने फितने बरपा किए हैं उसका असर शिया की किताबों पर भी पढ़ा सुन्नी किताबों पर भी पड़ा दोनों किताबों को भी चेक करना चाहिए कुरान मैद का हुक्म है अल्लाह ताली सुरर फोर्टी नाइन के आय नंबर 6 में कह रहे हैं जब भी कोई खबर लाने वाला ख़बर लेकर आए तो तहक़ीक कर लिया करो तो हम शिया की किताबों को भी चेक करेंगे सुन्नी किताबों को भी चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ इन राफ़िजों ने असर डाला है इसीलिए इब्ने अपने रहमतुल्लाह रमतल हाँ जो सुन्ना किताब लिखी आठ जिल्दों के अंदर ज़बरदस्त किताब एक एक रिवायत की छन्नी कर दी इब्ने इबन रहल्ला ने अलावासिकवासिम इबनलाबी जबरस्त किताब है अगर आप पढ़ना है तहकीकी तौर पर इन वाकआत को इन वाकआत को तो आप ये किताब पढ़िए तीसरी किताब मवाकफ़ालमुआरदा मदनावर्सिटी का पी एच डी की किताब है अशैबानी की ज़बरदस्त किताब है इसके अंदर आपको पूरे वाक़ा सही दईव, सही सहीफ़ जैसा शेख अलबान रमतल्ला ने सही पे बांटा है इस तरीके से तारीख़ के इन वाक़ात को सही ढई में बांट दिया दतुर शैबानी चौथी किताब है जो उर्दू में है मैं आपको पढ़ने के लिए मशवरा दूंगा ज़रूर शेख उस्मान अल अखमीस फिल वक्त के सबसे पावरफुल डिबेटर डिबेट करने वाले जो लोग भी सहाब कराम पर आलैद के बहाने करबला के बहाने सहाबा पर या माविया रजाता पर या यजीद बिन माविया पर जो तानो तशनी करते हैं उसके ज़बरदस्त जवाब देने वाले आप सुन्नी की कुतुब तारीख़ या शिया की कुतब तारीख दोनों को बुनियाद बनाकर भी बात करें तो आप कह तहीक करिए भाई तहकीक के लिए कम से कम ये किताबें मैं आपके सामने रखा हूँ ये किताबें मैं इसीलिए लाया हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे तो अहम अहम किताबें मैंने पूरी लाई था तारीख़ इबन कसीर है इसमें तारीख इबन कसीर अलबिबिनिह की तारीख़ तबरी है इसमें एक एक जिल लाया हूँ तेरह तेरह जिल्दों में बारह बारह जिल्दों में एक एक जिल उठा कर लाया मैं आपके सामने ताकि मैं आपको बताऊं कि ये सब किताबों को पढ़ने के बाद आप एक राय पर खाएं एक राय पर पहुंचेंगे तो हमारे लिए बेहतर है वरना अपने ईमान से हाथ धोना पड़ेगा अब देखिए मसला और आगे बढ़ता है रजी अल्लाह तन और अली रज्ला इसको कहते हैं जंग सिफीन अब जंग सिफीन में लो, लोगों ने ऐलान करा किया एक रावी ने एक रावी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना था अम्मा तख तहु अल्फियातुलबा के अम्मा रजाल्ला तगी ग्ररोह कतल करेगा का मतलब क्या निकला अम्मार अम्मा रजाल्ला त किसके पास है वह हक पर है और जिसके खिलाफ है वह हक पर नहीं है समझने के लिए एक हदीस आसान हो जाएगी देखा गया तो वाकई अम्मार रजा अल्लाह ततकाल हो चुका है सिफ्फीन के दौरान अली रजाल्ल् तैन माबा तक खबर पहुँचाते हैं देखो अम्मा रजा अल्लाह तैन मेरे पास थे और अल्लाह के नबी नबीन ने कहा कतल करेगा वो जो बागी है इसका मतलब तुम बागी हो इसका मतलब तुम हक पर नहीं हो जो तुम मुतालबा कर रहे हो और दरमियान में शरारतीयों ने हमारे से अख्तलाफ को जो मिस यूज़ किया है जो जंग में टर्न हो गई है सारी चीज़ें जो गुफ्तगु से भी हल हो सकती थी लेकिन शरारतियों को कहां पसंद है कि गुफ्तु से मसला हल हो जाए वो तो चाहते हैं कि कोई इवेंट हो जाए वो तो चाहते हैं कि कोई जंग का माहौल हो और वो कामयाब हो गए उसमें और अल्लाह ताला की भी आजमाइश है कि उस वक्त पर उनको कामयाब होने अल्लाह दिए ताकि बादशाह शहीद हो जाए एक तो बड़ा फायदा यह है कि शहादत का मौका मिल गया बाद वालों के लिए एग्जाम हो जाए आजमाइश के क़राम को खुर में इतक आयतों की बुनियाद पर मानते हैं या तारीखी मन घड़त वाक़ात की बुनियाद इसमें हमारी भी का आजमाइश निकल आई अल्लाह की हमत अल्लाह बेहतर जानते बहरा उमाव्या रजा अल्लाह भी बड़े तेज थे शुरू शुरू में उन्होंने थोड़ा गुफ्तगु की थोड़ी से बहस की उन्होंने कहा देखो यकीन अमार बिन यासर रजा अल्लाह तो तुम्हारे पास ही है और मारने वाला बागी गिरोही है लेकिन आप लाए तो ना इनका इंतकाल इसका मतलब असल में आप जरिया बने जो इनको लेकर आए इस काफिले में अगर नहीं लाते तो बट नहीं होता था इसका मतलब आप ही जिम्मेदार है लेकिन फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई तो एहतराम कम नहीं है तो उन्होंने कहा कि मैं जंग छोड़ता हूँ और निकल गए जंग छोड़ देखे साहब एक हदीस पर कैसा फ़ैसला इतना गुस्सा लेकिन थोड़ी देर का फ़ौर रियलाइज़ होता है अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उन्होंने कहा कि कुछ भी वो बात तो समझ में नहीं आ रही है लग तो यही रहा है हदीस में क्या है अल्फात एक वक्त आएगा कि मेरे उम्मत यानि साहबा कराम के दौर मेरे उम्मत का एक बहुत बड़ा इख्तलाफ होगा लड़ाई झगड़ा होगा दोनों में से दोनों में से हक के ख़रीब होगा वो गिरो जहां पर अम्मा रजा अल्लाह होंगे खरीब हक के ख़रीब होगा कहा मुकम्मल हक़ पर होंगे वो भी नहीं कहा गया मुहदसिन कहते खुद अली रज़ाल्ल्ला तव्या रजाता तौ मुक़ाबले में पूरे हक पर थे ये भी नहीं कहा गया हक के करीब होंगे ऐसा क्यों कहा गया मुहदिन कहते हैं क्योंकि अली रजा अल्लाह तन इस वाक़े को और भी तरीके से सुलझा सकते थे लेकिन उन्होंने क्या किया एक जंग एक बादा लश्कर तैयार किया वो लश्कर तैयार करने की वजह से भी बाद में अली रजा तहते हैं मैंने जो लश्कर तैयार किया है थोड़ी सी जल्दी अगर ना होती तो शायद के साहब कराम बच जाते इससे कराम ने कहा के दोनों यकीन इश्तहादी इश्तेद इस्तिहाद के जान बूझ कर करने का किसी के पास भी ख्याल नहीं था पहली बात क्लियर जान बुझ कर एक दूसरे को मारने का किसी के पास भी ख्याल नहीं था किसी का भी इरादा नहीं था जो कुछ भी हुआ एक इस्तेहादी थी इस्तेहाद में भी अगर खरीब है तो इस मसले में अली रज़ी अल्लाह अब मसला यहाँ से और आगे बढ़ता रज़ी अल्लाह तैन और मुआविया रज़ी अल्लाह त के दरमियान जब सुलह होती है तो किस शक्ल में सुलह होती है कहते हैं मैं अबू मसा शरीर रजा अल्लान और अमर बिनास रजल्ला तैन उस गिरोह की तरफ से एक इस गिरोह की तरफ से एक ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे ताकि मसला ख़त्म हो जाए अब यहाँ पर जो फसादी गिरोह जो मैंने आपको शुरू से करते और एक ऐसा गिरोह की पहचान कराने आपको मैं बैठा हूँ जो गिरोह साहबा के दरमियान के वाक़ात को अच्छा अच्छे तरीके से मिसयूज़ करते हुए इसको इशू बना रहा था वो गिरोह को फिर से उनकी नींद हराम अगर ये दोनों मिल गए अली रजाल्ला की ताकत एक तरफ मब रजल्ला की ताकत एक तरफ ये लोग पूरे पुराने बदले लेंगे लिहाजा इनको मिलना ही नहीं है तो ऐसे वक्त पर वो गिरोह ने इस तरीके से ख़ास गिरोह को पैदा किया जिनको कहते हैं खवारिज खवारिज की शक्ल में इन्होंने कहा ये इंसान कब से हाकिम हो गए अल्लाह ने तो कुरान मजीद में कहा इनकम हाकिम तो कौन होता है अल्लाह ये जज अबू शरी बनेंगे क्या ये जज अमर बिन आस रज अल्ला बनेंगे तुमने तो कुफर किया नौधबिला इन्होंने कहा कि माविया रजी अल्लाह तभी भी काफिर अली रजी अल्लाह तभी भी काफिर नौधबिल्ला कहा कि हम ऐसे लोग का साथ नहींते हम अल्लाह ताला, अल्लाह तल्ला के शान में शिरक हो रहा है पसंद करेंगे क्या इन्होंने अब दरमियान में जब इनकी बात नहीं गली दाल नहीं गली तो उन्होंने शिरक वाला मसला उठा लिया और अली रजी अल्लाह तन और माविया रजी अल्लाह रजा दोनों से भी हटकर इन्होंने एक मकाम पर एक मकाम पर इन्होंने अपने आप को जमा कर लिया अली रजा तन हमेशा क्या कहते थे जंग से बेहतर है दलील वो कहते थे दलील से गालिब आने की कोशिश करेंगे अपन अब्बास को भी जाते इबन अब्बास सजा अल्लाह तनादरा करते हैं तारीख़ में आता है कि रावी कहते हैं इबन अब्बास सजा अल्लाह तिन भर मुनादरा किया मगरब तक हजारों नाइन्टी परसेंट खबारिदर आ गए दस परसेंट खबारी वो भी हजारों तदाद में थे वो ही रहे कहते हैं कि अगर आज आज अगर आज फारस और रूम की सारी कौम होती तो वो भी कलमा पढ़ लेती इबन अब्बा सज्ला तो वैसी जलाली गुफ्तू कर रहे थे उस दिन वैसे दलायल रख रहे थे कि अगर फारस और रूम फारस और रूम की कौमें अगर बैठी हुई होती तो सब कलमा पढ़ लेती बहरखारिश में थे कई लोगों को हिदायत मिली फिर भी कई थे बाकी रजाल त ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन बहरहाल अलीजा ने उनसे खिताल किया इसको कहते हैं नहरवान मारक है नहरावान एक सहाबी कहते हैं अबू सफवान मैंने देखा कि अली किली रजल्हु पूरे जंग में एक भी गाली नहीं दे रहे थे एक भी गाली नहीं दे रहे थे कह रहे थे काश के लोग बच जाते काश के लोग ऐसा नहीं करते ऐसे ही कह रहे थे आज तो हम अपने मुसलमान भाइयों को भी आपस में गाली दे लेते मामूली मामूली लड़ाई पर और ये कौन थे जानते ये जो खबारिज के काफिर नहीं थे मुसलमानों में का वो नेक गिरोह आप जानते हैं इनकी 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 जो लिल्लाहियत थी इनका जो नेक इनकी जो नेकी थी ये अपने आप को अली रजी अल्लाह तैन और मुआविया रजी अल्लाह तन से भी नेक समझते थे इतने ज़्यादा नक अब्दुलरहमान बिन मुलज़िम रजी अल्लाह तैन को कतल किया ये खवारिज ने क्या किया हम तो हार गए क्यों हारे क्योंकि अली रजा त हारे तो लिहाजा ऐसा करें कि अली रजी अल्लाह रजियाल्ला को मारने का प्लान बनाया जाए नऊद बिल्ला इन्होंने अली रजी अल्लाह रजल्ला को मारने मारने का प्लान बनाया माविया रजी रजा तन अमर आस रजी अल्लाह तन और अली रजी अल्लाह तैन तीनों को मारने का प्लान बनाकर तीनों अलग अलग जा जाते हैं एक जमश चला जाता है एक मिसर चला जाता है एक कोफा की तरफ अब्दुलरमान बिन मुलजिम ने कहा कि अली रजी अल्लाह को ततल करने की जिम्मेदारी मेरी यहाँ तक कि वो हमला करता है जब हमला होता है अली रजी अल्लाह रजा को महसूस होता है कि अब शायद मैं मौत के करीब पहुँच चुका हूँ तो वह कहते हैं कि अगर मैं बच जाऊंगा तो तुझसे दलील से गाली आऊंगा बदला नहीं लूंगा तुझसे दलील से गाली आऊंगा तो रहमान बिन मुलजिम कहता है तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है मैंने एक हफ्ता भर तलवार को जहर में जो है ना मैंने भिगोया है इस तलवार में ना सिर्फ घाव है बल्कि इसके अंदर जहर भी है यह जहर अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ेगा और ऐसा ही हुआ अली रजा तन शहीद हो जाते अली रज्ला शहीद होते अब इब्दरहन बिन मुलजिम को साहब कराम मारते हैं बेहिस पड़ा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है उसका हाथ काटा जा रहा है बेहिस पड़ा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है उसके आंखों में सलाख पूरी तरीके से अंगारों में दहकाने के बाद सलाखें डाली जा रही कुछ नहीं हो रहा है बेहि पड़ा हुआ है लेकिन जब जबान काटी जा रही है तो चीख पड़ता है लोगों ने कहा इतनी सजा दी गई जब तक तू चीखा नहीं और अब क्यों चीख रहा है तो अब्दुलरहमान बिन मुलजिम कह रहा है मैं इस जबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था अगर तुम काट दोगे तो मैं किसका जिक्र करूँगा देखा आपने कितना नेक इंसान अल्लाह का जिक्र करने वाला लेकिन ऐसे आदमी का भी दिमाग जब खराब हो जाता है तो सहाबी को खतल करने की सोचता है इसमें हमारे लिए क्या सबक है आज के हमारे नौजवान जो इंटरनेट पर जाकर दीनदार बन रहे हैं बगैर किसी आलिम की निगरानी के बग़ैर किसी किबार किबारा की निगरानी के डर है कि ये बच्चे ये नौजवान फ्यूचर में कहीं ख़वारिज वाले दहन के ना बन जाए बड़े बड़े आलिमों को बड़े बड़े फतवे दे दे रहे वो आलिम ये है ये आलिम ये है ये आलिम और आप क्या है भाई जी मैं जो है कॉलेज में फेल फेल हो पास हुआ अलबत्त कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में मुफ्ती बन जाऊँ मुफ्ती इंटरनेट मुफ्त गूगल मुफ़्ती विकीपीडिया नौजबिल्ला ये अगर ऐसे ही हाल चलता रहा तो तोरमान बिन मुलजिम जैसे लोग निकलेंगे फिर अल्लाह ही बात करे जो बड़े बड़े उलमा के बारे में कह रहे हैं इनका क्या है जी ऐसे है वो बिके हुए हैं वो सऊदी अरब के जो उलमा है ना वो यहूदियों के एजेंट है हैदिल्ला सऊदी गवर्नमेंट क्या है ये यहूदियों के गदों में बैठी हुई है और आप कहाँ बैठे हुए बहरहाल इनको कुछ मालूम ना अता पता नहीं बस कहना है जज्बे में आ गए वहाँ पर ये है वहाँ पर ये है हर चीज़ के असलाह करने का तरीका तो वहां के क्यों कर उनको नजर नहीं आ रहा सूदी बैंक है डिश है एंटीना है और आपके घर में क्या है मैं तो हिंदुस्तान का एक मामूली मुस्लिम मेरे घर में कुछ भी रह सकता है और कमा के फिर वहीं से आए वहीं से कमा के आके फिर सारे चीज़ मेरे घर में रह सकता लेकिन वहां नहीं रहना चाहिए तो इसलाह करने का तरीक़ा होता है मेरे भाई थोड़ा टाइम होते हैं हमत होती है उसके लिए रास्ता होता है अचानक कोई एक रात में जो इसह मुमकिन है अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकती है इमाम महदी फी वाहिदा एक रात में अल्लाह ताला उनकी सलाह कर देंगे पूरे ज़मीन पर खिलाफत चलाने के काबिल बना देंगे वो अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है एक रात में लेकिन तुम लाने की कोशिश मत करो गो गोग इंटरनेट पर बैठ के एक ट्विटर मार के सलाह हो जाना बादशाह आप खलीफा है बीबी ने मानती इतना फास्ट ऑर्डर तो बहरहाल इस पर सोचने की ज़रूरत है अल्लाह फात फर्मा अली रजी अल्लाह त जो खातिल है कौन है एक ऐसा शख्स जिसका जहन मन इसका मतलब कोई बड़ी लॉबी थी कोई ग्रुप था जो जहन मना रहा है उस्मान उमर अल्लाह रजाल्ला का कतल हो रहा है मजूसी निकला वहीं का कूफा के साइड फारस के साइड वाला उस्मान रज़ी अल्लाह के तत्ल करने वालों का अता पता नहीं बाद में कहाँ निकलता है शख्स जानते हो हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने में कूफा के पास एक बूढ़ा शख्स मिला एक आदमी ने कहा हज्जाज यही वो आदमी है जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह रजा तो का कतल किया था अब इतने सालों के बाद पता चला इतने सालों के अंदाज़ा लगे कितना छुपा हुआ कितने वो लोग झूठ बोलने वाले थे कितने जीरक थे हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुम ही हो क्या घबरा गया उसने आखिरी में क्या किया डर के मारे उसने सारी बात जैसी थी उसने कह दिया मालूम होते गर्दन उड़ा दी मतलब बचने वाला तो नहीं है कोई दुनिया में कोई जुल्म करने वाला जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उस गड़े में खुद गिर जाता है तो ज़्यादा अपने जहन पर बार डाल कर साजिशें करने वाले भी चौकन्ना रहे हैं कि अल्लाह तलाजिमों को ज़्यादा दिन तक छोड़ता नहीं अल्लाह हिफाज़त फरमाए तो उस आप देखिए थपके मारने वाले कहाँ से मिल रहे जाकर फारस से इनका अनाज कम्युनिकेशन सिस्टम पर मीडिया पर अक्सर देखिए आप यहूदी पर कब्ज़ा जमाते हैं और इसको नाफिस करने वाले छुपे टाइप के जो मुनाफिन होते हैं इसको नाफिस कर लेते हैं तो ये फ़ारस के लोग हैं ये मजूसी लोग हैं ये दोनों का मिलकर ये मिस्री लोग हैं ये मिलकर एक गिरोह पैदा हो रहा है जो आगे चलकर राफ़िदियों की शक्ल में आपके सामने नाम आएगा अब बात आगे बढ़ती है हसन रज अल्लाह तैन को जहर देने वाले कौन है यही कूफी लोग मुस्लिम बिन अकील हुसैन रजी अल्लाह तैन को ख़त भिजाने वाले हुसैन असैन रजाला आ जाओ हुसैन एसैन रजाल्ल्ला आ जाओ ये माविया रजाल्ल्ला हम खलीफा इनको हम खलीफा नहीं मानते अब हुसैन रजी अल्लाह तक क्या बतला रहे हैं उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका आपको खलीफा मान लेगा तो इनके जहन में क्या बात आ रही है अगर मैं इनकी बात मान लूँगा तो खिलाफत क्या हो हो जाएगी ये कब तक चलता रहेगा लड़ाई ये कब तक सहाबा कटते रहेंगे कब तक साहबा खतल होंगे अगर वाकई मेरे जाने की वजह से मसला टिक जा सकता है हल हो सकता है तो बड़ा ज़बरदस्त मसला है चलिए क्यों ना मैं एक काम करूँ अगर हुसैन हुसन रजाल्ल् तूफ़ा वालों की बातों में आते हैं पहला मरहला ये है कि वो मदीने से निकलते हैं मदीने के लोगों ने उनको नसीहत की मत जाओ ये कोफा के लोग वफादार वफादारी नहीं करते इनके पास मक्का जाते हैं वहाँ पर भी लोग उनको समझाते हैं लेकिन वहाँ पर भी उन वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे बुलाया गया है मा मामले की जांच के लिए मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं मुस्लिम बिन अकील कहते हैं यहाँ बहुत अच्छा है बिल्कुल सही है यहाँ जो आप तो यहाँ आपको जो बुलाया गया ना बिल्कुल यहाँ पर बहुत मजबूत लोग हैं जिस वक्त पर इन्होंने ख़त भेजा उसके बाद इनको मारा गया मारने वाले भी कौन है गूफा के लोग मारने का तरीक़ा कैसा है कि जैसे ही बड़ा सरदार आया और कहा कहाफा वालो तुम अपनी जान चाहते हो तो मुस्लिम नकिल का साथ मत दो ये तुमने क्या किया बगावत की तुम आग भड़का रहे हो तुम थोड़े हो कूफा वाले हो ऐसा पेश करो जैसा कि पूरा खिलाफत तुम्हारे हाथ में है तो एक एक करके एक एक करके मुस्लिम नकिल का साथ छोड़ते आखिरी में मुस्लिम में नकिल अकेले हो जाते हैं लेकिन मुस्लिम में नकिल उससे पहले ही हुसैन रजी अल्लाह को खत भेज चुके थे तो उधर क्या कम्युनिकेशन चला गया इसका मतलब बात सही है इन सब के नसीहतों के बावजूद मदीना की बात नहीं मानते मक्के वालों की बात नहीं मानते वो निकल पड़ते हैं जब वो करीब में जाते हैं करबला के करीब तो वहाँ पर उनको इत्तला मिलती है कि मुस्लिम मिन अकील को ही इन्होंने कतल कर दिया साथ नहीं दिया इसका मतलब निकला था कि फेक है गलत बात है ये जो कुछ भी बताया गया जब इनको रियलाइज होता है इसका मतलब क्या निकला हुसैन रज़ी अल्लाह की नीयत में बगावत थी नहीं बगावत अगर होती तो उन्होंने ये जुमले नहीं कहते अब इस वाक़े को कैसा पेश किया जाता है करबला की बुनियाद पर यज़ीद जो है काफिर हो गया था नौधुबिल्ला इसलिए हुसैन रजी अल्लाह निकले थे और ये जो लड़ाई थी हक व बातिल की जंग थी कुफर और ईमान की जंग थी इसलिए निकले थे अगर बात ऐसी सही है तो फिर किताबुलमहन एक मशहूर किताब है उसके अंदर रिवायतें हैं और शिया की किताबें में शह वेब डॉट नेट पर भी यह रिवायत मौजूद है इसमें क्या लिखा हुआ है हुसैन रजी अल्लाह कहते हैं काफ़िले से काफिले वालों मुझे या तो बॉर्डर पर चले जाने दो मैं यहाँ पर क्यों मरूँगा मैं यहाँ पर क्यों लड़ूंगा कोई लड़ने का मतलब ही नहीं मुसलमान से लड़ने का मुझे या तो बॉर्डर पर चले जाने दो जिहादी जगह पर मैं शरीक होंगे वहाँ पर अल्लाह के लिए जिद्दोजहद कर लूंगा या फिर मुझे यजीद के पास जाने दो अगर काफिर समझते तो तो यजीद के पास जाने की बात क्यों करते और ये रिवायतें शिया किताबों में भी है यह रिवायत है शिया वेब डॉट नेट पर पड़ी हुई है शिया वेब ईरान का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये रिवायत पड़ी हुई आज ही देख रहा था मैं कहाँ मिलेगा शेह वेब डॉट नेट और कह रहे या तो मुझे वापस मदीना जाने दो अगर वो कुफर और ईमान की जंग समझते तो क्या मैदान छोड़ के वापस भागता है क्योंकि मुजाहिद नहीं भागता ऐसा तो कोई रिवायत नहीं कि मैदान जंग छोड़ के चला जाए ऐसी कोई बुजदिल ऐसे बुजदिलाना अंदाज़ में तो जो पेश करा दरअसल वजह ये है कि उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसा कोई मसला है ही नहीं इन्होंने झूठ कहा था क्योंकि कोफ़ा वाले लोग झूठ बोलने के आदि है तो इन्होंने झूठ बोलकर बुलाया था रियलाइज हुआ उनको लेकिन उस वक्त तक इनके पास चांस नहीं है कि वापस जाए क्या हुआ क्या अब ये कत्ल का जो वाक़ पेश आया क्या यजीद क्या यजीद बिन माविया रजी अल्लाह तजीद ने क्या कतल करवाया अगर कोई कहता है कि भाई नहीं, नहीं यजीद ने ही करवाया तो भाई आप झूठी रवायतें पढ़ बा बाबू मुखन्नफ की रवायतें पढ़ रहे आप जाबिर बिन यजीज जौफ़ी की किताबें पढ़ रहे हैं आप तारीख़ याकूबी किताबें पढ़ रहे हैं आप सुन्नी किताबें भी आप वो पढ़ रहे हैं जो मन घड़त रावियों वाले हैं साहिफ बिन उमर वाले रावियों की किताबें पढ़ रहे हैं आप आप गलत पढ़ रहे हैं आपके पढ़ने का अंदाज गलत है अगर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो यही सनदों के साथ आपके पूरे आइम्मा है ना उनकी भी बेइज्जती हो जाएगी वैसे रावी है इनके ऊपर ज्यादा भरोसा ये राफिजी गिरोह है जो शिया और सुन्नी पर दोनों पर असरंदाज होता है शिया और सुन्नी किताबों पर असरानंद होता है ये है राफिजी गिरोह जिसने बहुत मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर डाला बाद में जाकर यजीद बिन माविया रज़ी तर दिमाश में मान लीजिए मैं हैदराबाद में हूँ श्रीलंका में कोई वाक़ा पेश आ रहा है तो क्या मुझे उसका ज़िम्मेदार आप यानी यहाँ से कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए वाक़ उतनी दूर है पता ही नहीं आज के दौर में भी कितने ऐसे वाक़ श्रीलंका में होते वो पता भी नहीं चलता जबकि कम्यूनिकेशन इतना ज़्यादा है उस ज़माने में तो और भी मुश्किल होने के चांसेस है कि यजीद रजील्लाजीद यदीद रहमत आ मालूम ही नहीं यजीद बिन माविया को मालूम ही नहीं कि उधर क्या हो रहा है हाँ यजीद बिन माविया की का अपॉइंट करदा उबैदुल्ला बिन जियाद था उसकी अम्मी का नाम मरजाना था इबन मरजाना अबैदल्ला बिन जियाद के अम्मी का नाम मरजाना मरजाना का बेटा नहीं के इबन मरजाना अबैदल्ला बिन जियाद उबैदुल्ला बिन जियाद कोफा का रहने वाला बसरा और कोफ़ा के पास पाया जाता है करबला का वाकया करबला का एरिया उबैदल बिन जियाद क्या करता है उमर बिन साद बिन अभी वक्कास कौन है साद बिन अभी वक्कास अशर मुबशरा में थे उनका बेटा साद बिन अभी वक्स तआला अन का बेटा उमर रज उमर उमर को भेजते हैं कि जाओ जाकर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रजाल्ला सफ़ाया कर दो क्योंकि जो शरारती गिरोह है अभी तक जितने भी शहादत के वाक़ पेश आए ना अभी तक भी उनको वो नहीं मिला जो चाह रहे थे यानी गिरोह दो गिरोह बना देना आले बैत और साहबा का दो गिरोह अलग बना दे अभी तक भी कामयाब नहीं हुए अब कामयाब होने का चांस अब तो छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर हुसैन रजिल्ला तो को कतल करेंगे तो पूरा मौका मिलेगा आले बैत अलेत के चाहने वालों को जमा करके बताए देखो साहबा दुश्मन है साहबा आले बैत के दुश्मन है यह पहले खलीफा उनको नहीं बनाए सेकेंड खलीफा नहीं बनाए थर्ड खलीफ़ा नहीं बनाए और अभी भी दे बनने नहीं दे रहे और यजीद को बना रहे जबकि यजीदी ये है यजीद ये है यदीद ये यजीद के बारे में मन घड़त रिवायत व शराबी है वो जुआरी है इस तरीके से हालांकि यजीद कौन है यजीद भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है अगर आप पढ़ते हैं रोम के बारे में कस्तूतनिया के बारे में इमाम बुखार रहमत ने जो रिवायत पेश की अव्वल जैशिन यक़्रमा जैशिन यक़्त खुस्तिनिया मकफूर सबसे पहला काफिला जो कुस्तनिया पर अटैक करेगा कुस्तूनिया ने आज के दौर का टर्की ये टर्की जो इस्तांबुल मस्जिद है ना इस्तांबुल जो मस्जिद है असल में इस्तांबुल इस्तांबुल इसका नाम था मोहम्मद फातेह ने बाद में इसको फतह किया इसका नाम रखा इस्लाम बोल बोल इस्लाम और इसके पहले हमला करने वाले सबसे पहला हमला करने वाले इस काफिले की निगरानी करने वाले इस काफिले की सरदारी करने वाले कौन है यजीद यजीद बिन माविया रहमत यानी यजीद का इतना बड़ा मक़ाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी मगफ़िरत होगी लोग कहते हैं वैसे तो बहुत सारे फज़ीलतें होती हैं ना लेकिन उसमें इसतना होता है अरे मेरे भाई अगर अमल में मगफ़रत का ऐलान होता है उसमें इसतना होता है लेकिन अगर ख़ास गिरोह का नाम लेकर अगर कर दिया तो उसमें इसतना नहीं होता है कहते नहीं पहला काफिला नहीं इससे पहले हिम्स था हिम्स तो समंदरी रास्ते पर पहला जो हमला हुआ उससे पहले फतेह हो चुका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समंदरी हमला होने के बाद जो हमला होगा खुशतूनिया पर वो पहले काफिले पर जो सरदार होगा इतना वाद हिम्स तो बहुत पहले फतह हो गया था बाद में लाकर उसको कहा पेश कर रहे हैं आप तो यदीत बिन मुआविया का मकाम मरता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मगफूर है इनकी मगफरत होगी इतनी बड़ी फजीलत वाले कोई मामूली शख्सियत नहीं है अब यहां पर ओबैदुल्ला बिन जियाद ने भिजाया उमर बिन साद बिन अभी को। उमर बिन सादिन कौन है इराक को ईरान फता को फताह करके मुसलमानों के खदमों में चाबियां डाल दी यह है सादिन तेटे उमर कहते हैं मेरा हाथ हरकत में नहीं आता कि मैं कैसे कतल कर दू हुसैन रज्ला में तो ये काम नहीं करूंगा कहा कि तुमको करना ही है वरना में तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा वरना मैं उबैदुल्ला बिन जिया इबंने मर जाना धमकी दरअ तेरे घर को गिरा दूंगा तुझे ही ये काम करना है वो जाते हैं लेकिन इब्ने जियाद कहता है ये लगता है ये आदमी मेरा काम नहीं करेगा तो उसके उनके पीछे भी जाता है शमर अब्नल जोशन शमर अब्नजावशन को भी जाता है देखो जासूसी करो कि ये आदमी मेरा काम पूरी तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा पता चल जाता है शमर बिन जोशन को कि वाक़ उमर बिन साद रावी हैं हदीस के रावी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ने इनको भी हर हदीस के जो रावी है अल्लाह ताला ने उनको खून पर लतपत होने से बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में सहाबा को बचा लिया महाजरीन को अल्लाह ने बचाया अनसार को बच बचाया तो उमर बिन साथ तो वाप वहाँ पर नाफिज नहीं कर सके शम्मर बिन जोशन अपने दो सिपाहियों कहता है कि खतल करो और शम्मर बिन जोशन अपने दो साथियों को लेकर करता है तो तब जाकर हुसैन रजी अल्लाह का सर जुदा होता है अब सवाल यह है कि शम्मर बिन जौशन कौन है हुसैन रज़ अल्लाह तक को कतल किया सुन्नियों ने सुन्नियों ने सुन्नियों ने आप सुनते रहते बहुत ज़्यादा सुनते रहते यजीद यजीद जो कि सुन्नियों कहते हैं सुन्नियों की तरफ का है तो लिहाजा सुन्नी भी गलत यजीद भी गलत अबू बकर अल्लाह तभी भी गलत उमर अल्लाह तमाम भी गलत, सारे साहबा गलत सिवाय सलमान फारसी रज़ी अल्लाह त मगदाद रज़ी अल्लाह अल्ला के आल बैत के आले बस इतने ही लोगों को कहते हैं कि भाई यही सही है फिर हसन रजा अल्लाह भी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं करते सिर्फ हुसैन अल्लाह रज की इज्जत करते हैं क्योंकि हुसैन अल्लाह रज की जो बीवी थी वो यस गर्द की बेटी शहर बानू यानी ये फारसियों को बड़ा लगाव है अपने रिश्तों से सलमान फारसी अच्छा फ़ारस के है ना इसलिए अच्छे उस उमर अल्लाह रजाल्ला के कतल करने वाले को क्या कहते हैं बाबा शजाउद्दीन लखब दिया बड़ा शजा बहादुर आदमी उम्र तो कतल किया और आज भी जो है फारस की जगह पर बाबा शजाउद्दीन की ईद मनाई जाती है उस्मान रजी अल्लाह तन के शहादत के दिन में ईद ग खुम मनाई जाती है क्या मतलब है सब चीज़ों का इसका मतलब एक ऐसा गिरोह था उस जमाने में जो चाह रहा था कि आले बैत और साहबा को बांट कर उम्मत में दो गिरोह बना दे जो बाद में चलकर शिया और सुन्नी की शक्ल में मीडिया वाले इसको हाईलाइट करते असल में ये एक लॉबी थी एक ग्राफी की एक लॉबी थी जिन्होंने पूरी कोशिश किया कि शिया सुन्नी को ऐसे बांट दे और वो कामयाब हो गए हमारी ना अहली की वजह से उस ज़माने के जो सहाबा कराम थे आले बैत थे ना वो लोग कामयाब होने नहीं दी लेकिन बाद वाले लोग इसको कामयाब कर गए क्यों इसलिए कि बाद वाले लोगों को ना तारीख पढ़ना आता ना तहकीक करने आता आले बैत और साहबा इकराम के दरमियान आपस में देखेंगे कभी भी ऐसी गिरोबंदी हुई नहीं बार बार शादियाँ हो रही हैं उमर रज्ल की बीवी कौन है तली की बेटी उसूल काफ़ी जो कि और एक डेंजर किताब है उस किताब के अंदर किताब माजा फिलम फिल जो जी के मरने के बाद इद्दत गुजारने के मसाइल मरने के बाद शौहर के मरने के बाद इद्दत गुजारती औरत चार महीने दस दिन उसका जिक्र असूल काफ़ी के अंदर है उस काफ़ी किसकी किताब है अलकुलशिया की किताब है इसके अंदर बाप बांधा जा रहा है कि ज, जब जब उमर की शहादत का वाक़ पेश आया तो अली रजाल्ला तैन गए इद्दत ख़त्म होने के बाद इद्दत ख़त्म होने के बाद अपनी बच्ची को वापस ला लिया इसका मतलब इला के, के ज़माने तक भी आले बैत और सहाबा में किसी भी किस्म की दूरी नहीं थी साबित हुआ आगे दिखे आप फरवा रजी अल्लाह तन फरमा रहम ये कौन है अबू बकर की नवासी शादी किससे कर रही है हुसैन रजियाल्ला पोतरे से अबू बकर रजा अल्ला की पोतरी नवासी ने पोतरी अबू बकर रजा अल्लाह तोतरी फरवा शादी कर रही है हुसैन रजी अल्लाह तहु की के पोतरे से इसका मतलब निकला कि तकरीबन सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ साल तक भी आलेबै के दरम्यान रिश्ते हो रहे रिश्ते होने का मतलब क्या निकला एक दूसरे को चाहते एक दूसरे को चाहते हैं बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं वो लोग जबरदस्ती करके आके बच्चे उठा के ले जा रहे थे क्या वो राक्षस थे और आप इतने कमजोर अली रजल्ला ऐसा मारते थे खैबर का दरवाजा उठा लिए एक वक्त पे जब गोल फिरते थे सौ लोग गिर जाते थे फिर अमर अल्लाह तो कुछ भी नहीं कर सके बच्ची को उठाने के लेके चले गए उमर रज्लाह क्या बात है अल्लाह रजिल्ल तो बुजदली के साथ पेश कर रहे हैं आपको तारीख पढ़ने का ढंग नहीं उल्टा आप अली रजा अन पर नौजबिल्ला आप तानाकशी कर रहे हैं तो हुसैन यहाँ पर आप गौर करके देखिए आप कि यहाँ पर एक गिरोह हैं जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है आपस में आले बैत और सहाबा को बांटने की तो उन्होंने पूरी को बर, इसने अल इबन मे शमर अलश इब्नजोशन ने कहा अच्छा मौका है दो सिपाहियों को लेकर कतल कर देता है और सर भी जाता है उबैदल्ह बिन जयातैदुल्ला बिन जियाद के पास सर लाया जाता है तुम निकले थे बगावत करने इस टाइप की बातें लेकिन यजीद के पास ये सर ले जाया गया और यजीद ने बेहुरमती की ये सब मन घड़त वाक़ थे वही तारीख़ी याकूबी वही अबू मखनफ वाले वही रावी जो मैंने आपको बता दी बड़ी इज्जत के साथ जो बच्चे बच्चे कुचे लोग थे ना उनके साथ मदीना वापस भी जाते हैं इब्ने तैमर रहमत ने छः कौल नकल किए हैं कहा कि कहां पर सर दफनाया गया कोफा में या रे में या दमिश्क में या या असखलान मिसर में आखिर में कहा नहीं मदीने में फातिमा रजी अल्लाह तहा के पहलू में दफन कर दिया गया उस सर को इस तरीके से किस्सा ख़त्म नहीं होता है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ शहादत का वाक़ पेश होता है तो उसके बाद भी कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बाद अलमुखार सखफ़ी नाम एक शख्स उठा उसने कहा कि मैं हुसैन के खातिलों से बदला लूंगा चुन चुन कर उसने एक फ़ौज बनाई और चुन चुन कर उसने उसनेबैदुल्ला बिन जियाद यहाँ तक कि उमर बिन साद हालांकि बेचारे दूर थे फिर भी कतल कर दिया गया उनका शमर अब्नल जौशन और फिर वही हुआ तारीख अपने आप को दोहराती है हैबैदुल्ला बिन जियाद का सर काट के मुख्तार सखफ़ी के सामने ला गया तिर्मिजी शरीफ की रिवायत कि जब मुख्तार सखफ़ी के सामने ओबैदुल्ला बिन ज़्याद का सर लाया गया तो उस वक्त पर मुख्तार सखफ़ी ने कहा यही आदमी था जिसने हमारे हुसन रज्ल के सर को की बेहरमती की थी उसके अचानक देखते हैं कि एक सांप आया लोग कहते हैं जा अत जा अत हाया सांप आया सांप आया वो सांप आता है पूरे इसी तरीके से जिसमों के दरम्यान जाता है मरे हुए और अब बैदुल्ल् बिन जियाद के सर के पास आता है और आकर नतनों में से अंदर दाखिल होकर दूसरे नतने से निकल कर चला जाता है ये वाक़ तीन मरताब पेश आया और लोगों ने समझ गया कि यही शख्स कतल करने वाला है इसका मतलब यजीद नहीं थे इससे ही पता चला कि यजीद नहीं थे ओबैदल्ला बिन जियाद था वो शख्स और ये वाक़ तिरमिदी में है शेख अलबानी रहमत ला ने इसको ऑथेंटिक कहा इमाम तिरमिदी रहमत ने इसको हसन कहा है और ने इसको ऑथेंटिक कहा है भाई मुमकिन हैुरान मई में अल्लाह तिरौन की लाश को रख कर हमारे लिए दीदे इबरत बनाया है तो अल्लाह के लिए क्या मुमकिन है कि हुसैन के खातिलों को भी अल्लाह तबरत वाला बना दे मसला खत्म नहीं हुआ और मुख्तार जैसे ही कातिलों का बदला लेता है तो वह हीरो बन गया अब वह तकबर में आ गया उसने कहा मैं जब यहां पर कर सकता हूँ क्यों लोग उसके अब होता ना हुसैन रजिला के कतल का बदला लेने वाला तो कौम पूरी क्या हो जाती है चाहने लगती है तो उसने उसको मिस यूज़ कहा कि बाकी के, के सरजमीन में जो सहाबा की हुकूमतें हैं सबको ख़त्म करूंगा वो ज़रा तमरुत का शिकार हुआ शैतानियत का शिकार हुआ उसने हमला करने की कोशिश की तो मुसाब बिन जुबैर रजी अल्लाह जाते और जाकर उसका सर काटते हैं और काट के ला के दरबार में डालते हैं फिर सर आता है वापस फिर उसके बाद हजात बिन यूसुफ मरवान कहते हैं ये देखो मक्के की हुकूमत अलग है हमारी हुकूमत अलग है एक हुकूमत होनी चाहिए खिलाफत ताकि इस्टेब्लिशमेंट मिल जाए हजात बिन यूसुफ जाता है और मसबर ताला तसअ बिन जुबैर की गर्दन काटता है बहरहाल यहाँ तक ये सिलसिला चलता है यानी एक मज़लूम की शहादत बहुत लंबी खींचती है लिहाजा जुल्म करने से बचना चाहिए इसमें कौन ालिम है मज़लूम है अल्लाह ताला बेहतर जानता है लेकिन इस पूरे वाक़े में यजीद का कोई रोल ही नहीं यजीद को जब पता चला तो यजीद ने क्या कहा इबन अमरजाना इब्न मरजाना पर अल्लाह लानत करे कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो नरमी का मामला करता ये हुसैन रजी अल्लाह नबी अक्रम सल के नवासे हैं इसने इतनी सख्ती क्यों की इससे दलील मिली कि असल करने वाले पूरा वाक़े को यूटिलाइज़ करने वाले कोफ़ी लोग थे जो बाद में जल कर राफिजियों में और एक भी क्या है कोफा के लोग लोगब रज अल्लाह त जा रहे थे तो कोफा के लोग रो रहे थे हम आपके चाहने वाले हैं तो जैनब रजी अल्लाह कहा ये वाकयात शिया की किताबों में भी सुन्नी किताबों में भी, भी है एक किताब है आप पढ़ना है तो पढ़िए अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ की मन कतल हुसैन किसने कतल किया हुसैन को इसके अंदर सिर्फ शेह की किताबों से पूरे शेह के वाक़ हैं इसमें सुन्नी किताब इस्तेमाल नहीं कि सिर्फ शिया ही किताबें इस किताब के हवाले से ज़ैनब रजी अल्लाह तन्हा है तुम क्यों रो रहे हो तुम ही ने तो हमको कतल किया अकिल बिन मुस्लिम को लाकर तुमने दगाबाजी की कतल गोया कि तुम दरिया बने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अच्छा मक्के मदीने में थे तुम बुलाकर उनको कतल करते हो और एक पोल खोली बहन ने पोल खोल दी क्योंकि उस वक्त पर जब ये वाक़ हो रहा था करबला का तो ये बहन देख रही थी कौन है दैनब बड़ी बहन है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अनहु की तो गोया कि ये चश्मदीद गवाह है कि कूफियों ने मारा और जानते हैं शंबर बिन जौन कौन है यह सुनी नहीं है सुनियों को तो बहुत बदनाम कर रहे शंबर बिन जौन कौन है सिफिन के जंग के दौरान अली रजी अल्लाह अन के साथ रहकर माविया के खिलाफ लड़ने वाला मुआविया रजी अल्लाह तन कौन है वो छंबर बिन जौन ये वो शख्स है जो सिफिन के जंग के दौरान अली रजी अल्लाह त के साथ रहकर लड़ने वाला साथ देने वाला इसका मतलब इलाके ये शिया अली था क्या था शिया माने साथ देने वाले अली का साथ देने वाला था यही शख्स बाद में जाकर हुसैन रजिला को कतल कर रहा है क्यों क्योंकि ताकि शक में ना जाए कि मैं तो साथ देने वालों में से हूं ना अगर ऐसा आदमी कतल करेगा तो शक की सुई इधर नहीं जाएगी शक की सुई सीधे किधर जाएगी सहाबा के गिरोह की तरफ सुन्नियों के गिरोह की तरफ जाएगी क्योंकि लोग चाह रहे थे कि ऐसे कुछ वाकया सनसनी हो जिससे कि आले बैत और सहाबा में गड़बड़ लेकिन आले बैत और साहबा कराम ने क्या किया आपस में शादियां करवा के वो लोग तो इस झांसे में नहीं आए लेकिन बाद के लोग 99 नाइन परसेंट शीह इन नरगे में आए राफिजों के और 1 परसेंट सुननी भी आज के दौर में जो किताबें खिलाफत व मलोकियत के नाम पर मतायन उस्मान के नाम पर मिस्र के मुस्लिमीन की तरफ से कुछ छपी हैं हिंदुस्तान से भी खिलाफत व मलोकियत के नाम पर छपी हैं कुछ सुन्नी वन परसेंट इनके नरगे में आई राफ़िज़ों के इससे पता चला बाद में क्या हुआ अली बिन हुसैन रजी अल्लाह हुसैन रज़ी अल्लाह त बेटे फिर कोफियों ने कहा हम आपको खलीफा बनाते हैं अली अल्लाह शायद आप सुधर गए होंगे बेटे हैं हुसैन रजिला के बेटे वो समझे जैन अलाबिदीन नाम जानते हैं मशहूर है जैन अलाबिदीन कहा शायद आप सुधर गए होंगे तो लिहाजा आप खलीफा बनने की कोशिश करते हैं फिर वही काम किया उन्होंने कहा ये हाथ जिससे हमने बैत किया था ना ये हाथ दीवार पे मारते हैं पूरे कोफी निकल गए उन्होंने कहा यह जिब कौम है अभी तक नहीं सुधरी उन्होंने कहा रफव तुमोनी अब नाम पड़ा इनका अभी तक जो मैं कह रहा था ना राफिदी बने रफ़स तुमोनी कमा रफस तुम अभी तुमने मुझे वैसे ही छोड़ दिया मैदान में जैसा कि तुमने मेरे अब्बा को मैदान में छोड़ दिया था पोल खुली इसका मतलब एक आले बैत को यूज़ करने वाला गिरोह था जो आलेत को खत्ल कर रहा था और ये फैला रहा था कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से कि देखो सहबा आल बैत पर ऐबा आलेत पर म कर रहे थे सहाबा और आले बैत तो उस ज़माने में इस तरीके से हमत से बचकर तो निकल गए लेकिन इन वाकयात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इन मन घड़त किताबों के अंदर बहुत सारे तरीके से खींचे तक के कि सुन्नी किताबों के अंदर भी ये सारी बातें आ गई हमारे लिए इसमें क्या सबक है इस पूरे वाक़े में सबक यह है तहकीक से काम लिया करो और सबक यह है कि वो शीह हजरा जो इन राफ़िदियों के कहने की बुनियाद पर कम से कम आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग कुरान मजीद पढ़िए सहाबा के बारे में गाली देने से पहले सहाबा पर तानो तशनी करने से पहले का दामन अपनाइए वो सहाबा इकराम कौन है अगर उनकी दस खूसियतें जिस पर मेरा खुतबा है मैं एक दो मिनट में अगर बताऊँगा ईमान सहाबा सूर बकर आत्तमर वन थर्टी सेवन में अल्लाह कह रहे ईमान लाओ तो सहाबा की तरह ईमान लाओ मन हजे साहबा ज़िंदगी गुजारना है तो सहाबा की तरह गुजारो सराती तम तीसरा हैदाकत सहबा सूरत फ़तह सुर नंबर फोर्टी एट के में अल्लाह कह रहे तह रहेबिन उनके दिलों को अल्लाह ने जाँच लिया वो सहाबा ईमान के पक्के थे अल्लाह उनके दिलों की गवाही दे रहे तुम्हारे दिलों की गवाही है नहीं है फिर उन सहाबा पे बोलने से बचो चौथे है फ़लाह सहाबा सदाकत सहाबा तीसरी चीज़ है सदाकत सहाबा सादक कहाँ पर बताया गया सुर हश नंबर फिफ्टी नाइन कैद नंबर आठ में है कि अल्लाह ताला करे तह रहे लिल्फ़रा महाजरीन लदी नौखरिजु मंदिर मेंबतगुन अफामिन वरिदवानसर अल्लाह रसूल उलायकह साद अल्लाह तला साहबा के बारे में कह रहे वो 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 सच्चे लोग थे तुम कह रहे झूठे लोग हैं अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो सच्चे ईमान वाले थे तुम कह रहे मुर्तद हो गए पूरे सहाबा तुम कुरान मत पर क्या पढ़ रहे कौन सा कुरान पढ़ रहे हो फिर तुम कहते हो कि हमारा ईमान कुरान मजीद पर है फ़लाह सहाबा والذين الدار من من قبلهم يحبون ولا يجدون في صدورهم वल्लिन तबार वल इमान अमिन कबलिम हब्बुन नमन हाजरा इिम वला दिदू नफिसम हाजतून अलाफस वलोकानबिम कहमफलिता कह रहे कामयाब है और तुम कह रहे कि नाकाम हो गए खैरियत साहबा कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरजतनाथ अल्लाह कह रहे कि नबियों के पास इस धरती पर सबसे बेहतरीन गुरो वो था तुम कहते हो कि बदतरीन गुरो वो था छटवा है रुशदे सहाबा

राशिद किसको कहते हैं जिसके भटकने का कोई भी चांस ना उसको अरबी जबान में रुश्त कहते हैं यानी अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद साहबा मुर्तद हो गए थे चांस ही नहीं है क्योंकि आयत में अल्लाह गैब गवाही दे रहा है कि वो राशिद है कभी भटक ही नहीं सकते राशिदून मकफरत साहबा सुर पताह के आखिरी आयत में अल्लाह तह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके हमने मकफ़रत का ऐलान कर दिया दुनिया में मकफ़रत का ऐलान तुम्हारा हुआ क्या नहीं हुआ ना फिर सहाबा के बारे में बजनी कैसी हज़ाए साहबा रज़ील्लाजवानबा सर नंबर नो केम्बर सौ में उसके बाद नवी खूसियत है अदालत सहाबा शहादत विकाजा उमत वल तक शहादा अल्लाह तह रहे कि तुम उम्मत वसत हो सही बुखारी में बुखार रमत कह रहे कि बसत से मुराद यहाँ पर अदल मुराद है नसाफ वाले कौम जहाँ जाते थे वहाँ के अवाम साथ में हो जाती थी उनके इंसाफ़ को देख कर ये है वो अदालत और शहादत सहाबा शुर बकर वन फोटी थ्री और आखिरी में है सुहबत सहाबा अल्लाह के नबी के साथ थे कैसी खसूसियत है बाद में आने वाले कुछ भी करके ला नहीं सकते मिदाद बिना सद रज़ी पास एक शख्स आता है आकर कहता है क्या आपके इन आँखों ने मोहम्मद वसम को देखा है कहा कि हाँ हाँ मेरे भतीजे ऐसा हुआ है मेरे जी में आता है कि आपकी आँखों को मैं चूम लूँ आपके इस जिस्म और आपके इन हाथों ने अल्लाह के नबी को छुआ है कहा कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे जी में आता है कि मैं इन हाथों को चूम लूँ अगर मैं आपके ज़माने में होता तो मैं ये करता मैं ये करता मैं वो करता तो मिगदाद बिन असर कहते हैं कि बाद में आके बड़ी बड़ी बातें नहीं करना जो नेक थे ना अल्लाह ने उनको चुन लिया जो सही थे ना अल्लाह ने उनको चुन लिया अगर तुम उस जमाने में होते तो पता नहीं मुनाफिकिन के गिरोह में हो सकते थे उस जमाने में रहना कोई मामूली बात नहीं घर बार छोड़ते थे हाथों में जान को अपने हथेलियों में लेकर घूमते थे वो सहाबा खुद परेशान रहते थे दीन की नुसरत के लिए हमेशा चाकु चौबंद रहते थे वो सहाबा के दम जो ठहर ना सका मुनाफिकीन में शुमार हुआ शुक्र अदा करो कि तुम उस वक्त पे नहीं थे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता बड़ी बड़ी बातें मत करो ये ये ऐसे ये रुतब बुलंद मिला जिसको मिल गया ये रुतब बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का आपसे अगर कोई भी साहबात के बारे में अटैक करे आप उससे एक ही बात कहे अल्लाह ताला तलिम है या नहीं है तो कहेगा हाँ है उस आलिमैब ने रजी अल्लाह व अल्लाज कह दिया ना भैया फिर ये मनघड़त रिवायत ला के मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं भाई जाओ तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास उसूल है अच्छा ताज्जु भाई ये ये रद्द कर ये वो वाक़ात को मानने वाले लोग क्या कहते हैं भाई रिवायत रिवायत अहले हदीस रिवायत रिवायत बहुत करते हैं सलफी हज़रा ये दिरायत क्यों नहीं कहते दिरायत मैंने अकल भी लड़ाई है ज़रा भाई आपकी अकल अब यहाँ पर कहाँ घास चरने गई है आप ये अकल को इधर लाइए ना आयत के मुकाबले में मनगणत वाक़त आपके दिमाग में घुस कैसे रहा आसान तरीका है दरायत अगर आप कहते हैं अकल अगर आप कहते हैं मेरे पास एक शिया साहब आए मगरब में आए अलहदुल्ला ईशा में सलफ़ी तरीके से नमाज पढ़ी उन्होंने ईशा में आए डिबेट शुरू हुआ और साथ में लेकर आए शेख महीनों से आदमी पुराने हवेली से लेकर आए महीने से आदमी हमें परेशान कर रहा है ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि हमें शक में डाल रहा है तो मैंने कहा कि भाई बात सवाल क्या है अब वो जो भी सवाल कर रहा है पूरे हवाले दे रहा है मैंने कहा अल्लाह के बाद थोड़ा इतला तो देकर आते थोड़ा मैं तैयारी तो कर लेता नहीं 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 अचानक पढ़ के ला आप तो तैयार रहते हैं ना हमेशा ठीक है भाई अब अल्लाह ताला तैयार करा दे भाई लेकिन तैयारी थोड़ी वो पूरा तैयारी के साथ आ रहा है हर बात कह रहा है तो हवाले के साथ कह रहा है तो उसके बाद मैंने उससे समझाने की कोशिश की पहला क्या भाई आपका सवाल क्या है पहला सवाल आप लोग आले बैत की इज़्ज़त नहीं करते अरे मेरे भाई सुन्नी जो है नाइन्टी टू परसेंट नाइन्टी थ्री परसेंट तुम सात परसेंट सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाले हम सुन्नी हैं कि तुम हैं हम हैं हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम दरुद इब्राहिमी नहीं पढ़ते अल्लाहमद अली मोहम्मद जब तक हम आले बैत पर दरुद नहीं भेजते हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती शेख अलबान रहमतल इमाम शाफ रहमला का फतवा यह है कि दूसरी रकात में भी दरूद पढ़ना वाजिब है हम पढ़ते हैं तो हम ज्यादा कर रहे हैं कि तुम ज्यादा कर रहे हो उसने कहा कि बात तो ज्यादा समझदार था दलील से मानने वाला लग रहा था उसने कहा आप लोग हमारे इमामों की इज्जत नहीं करते मतलब इमामों की इज्जत का मतलब क्या है ईसाई कहते इज्जत का मतलब ईसा सलाम खुदा है हम वैसे तो इज्जत नहीं करते इज्जत का मतलब क्या है तो उसने कहा नहीं हमारे जो इमाम होते वो नबियों से उनका ऊंचा मकाम होता है ये आप लोग क्यों नहीं मानते मैंने कहा भाई ये तो आप भी नहीं मानते वो कैसे क्योंकि आप लोग पुरानी हवेली में बड़े बड़े स्पीकर लगा के बयान करते और मैं जाते आते सुनता हूँ पहले कलमा पढ़ने वाले अली रजी अल्लाह रजाल्ल्ला बच्चे थे बोलते नहीं भाव हाँ बोलते भाई तो कलमा जिसके पढ़ा जा रहा है वो बड़ा है या जो कलमा पढ़ रहा है वो बड़ा है आप ही बोले कि अली रजी अल्लाह तो कलमा पढ़े तो फिर बड़े कौन हुए हाँ बात तो सही अली रजी अल्लाह तो कलमा पढ़ रहे अल्लाह के नबी जाके अली रजी अल्लाह तो कलमा पढ़े या अली रजी अल्लाह तो रजा तक महमद रसोल्ला बोले नहीं बोले तो तुम काफ़िर हो आते फिर नहीं, नहीं नहीं बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले अच्छा तीसरा क्या है तुम्हारा एतराज़ तीसरा एतराज़ ये है कि आप लोग जो है क़रआन मजीद जो है क़ुरआन मजीद ये अबू बकर रज़ी रज़ी अल्लाह अल्लाह तआला तआला उमर के ज़माने में इसको हमारे फेवर में जो था वो छुपा दिए लोग अच्छा तो आपके अली तआला ताफि थे कि नहीं थे जी हाफिज़ थे अबू बकर रजा अल्लाह तौन उमर रजाल्लास्स्मान रजाल्ल्ला के बाद खलीफा बने ने बने खलीफा बने पावर था कि नहीं था पावर था जुडिशल पावर भी था खिलाफत भी थी फिर वापस क्यों नहीं ला लिया पूरा कुरान मजीद मौका था ना तो नहीं अली रजा तन उम्मत में फितना नहीं करना चाह रहे थे इस वजह से कुछ भी टॉपिक नहीं उठाए तो मेरे भाई उनकी ताँत करके आप भी फितना मत उठाइए आप भी खामो हो जाइए न आप भी खामोश हो जाइए फिर दो खतरनाक अकीदे हैं अतबरसी एक शिया देखिए आप ये राफी जो है असर डालते हैं आले बैत और सहाबा के दरमियान गिरोह में बांटते हैं और उसका असर शिया की एक बहुत बड़ी जमात ले रहे कितना ले रहे हैं अंदाज लगाइए आप कितना असर ले रहे हैं तारीखी रिवायतें मन घड़त संदें मन घड़त किताबें मन घड़त इन शेह से हमारी मदबाना गुजारिश है कुरान मजीद अच्छा पढ़े जो मैंने दस खसूसियतें आपको बताई हैं ये दस खसूसियतों पर गौर करें आले बैत और साहबा कराम के बारे में जहन साफ हो जाएगा इन शाह अगर सही बुखारी सही मुस्लिम अबूदाऊ सुन अबिदाऊ सन तिरमई सई सबन माजा में सहाबा के फ़ज़ाइल पर अगर किताबें हैं तो अलेत पर भी नकल की हम शिया हम सुन्नी हजरत कभी भी हम फर्क नहीं करते आले बैत और सहाबा कराम बल्कि आले बैत को एक ख़ास मक़ाम देते हैं हम इज्जत देते हैं बल्कि दरूद में हम उनका नाम लेते हैं उन, उनकी तरफ बाका दरूद सलामती भेजते हैं लेकिन शेह हजरत शेह हजरत को चाहिए कि वह इस पर तोजह दें वह इस पर तोज् दें और ये पूरा जो पॉइंट मैंने आपके सामने पेश किया है इस पर ठंडे दिमाग से अगर गौर करें कि तारीख के लोगों ने जो असर डाला है इनके असर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं दो खतरनाक अकीदे बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं अतबरसी ने तो गजबी कर दिया अजीब आदमी है इसने कहा तहरीफ रब्बिल अरबाब तीन जिल्दों में किताबें लिखी इसने जिसके अंदर उसने साबित किया कि कुरान मजीद में तहरीफ हो चुकी है यहां तहरीफी यहां तहरीफी यहां तहरीफी और ये लोग भरोसा करते उस तफसरों पर तबरसी की किताब पर यह किताब से सहाब कराम के बारे में बदजनी फैलाए गई सहबा कराम के बारे में गलतियाँ फैला गलत फहमया फैलाई गई ये बहुत ही ख़तरनाक अकीदा है और साहबा के बारे में और कुरान शेख बिन बाज़ रहमत आल से पूछा गया शी का हुक्म क्या है फोर्टी थ्री फ़िरक है इनके अंदर इस और इमाम शाउल रहमत के बेटे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्द दहलवी हिंदुस्तान के मुफ्ती का फतवा बगदाद के अलामा इमाम आलूसी रहमत का फतवा इस्पेन के इमाम शातिबी रहमत का फतवा मिसर के इबन हजर और इमाम सीती रहमत का फतवा सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शख बिन बाद रहमतल का फतवा और सीरिया के इबिन तयमिया रहमत का फतवा ये अकाबरीन से जब पूछा गया शिया के बारे में पहला पॉइंट शिया के अलग अलग गिरोह हैं एक गिरोह पूरे गिरोह को काफिर बोलना सही नहीं हाँ इनमें से राफिदी जो हैं वो काफिर हैं हाँ इनमें जो इमामिया हैं ना वो काफिर हैं हाँ इनके अंदर जो बातिनियाँ है ना वो काफिर हैं इनके अंदर जो इसना आशरिया है ना वो काफिर हैं लेकिन पूरे फोर्टी थ्री फ़िरकों को कुफर का फैसला देना मुश्किल है लेकिन ये बात क्लियर है कि ये फोर्टी थ्री फ़िरके गुमराही को इख्तियार कर चुके हैं गुमराह है गुमराही के लेवल है लेकिन कुफर के लेवल पर जाने वाले कुछ फिरके हैं कुछ फिरकों में लेकिन फिलवक के फोर्टी थ्री फिरों में कौन कितना राफिजी का असर लिया है हमको नहीं मालूम इस वजह से हमको पूरों से बचकर रहना शादी का जब भी मसला आएगा हम नहीं करेंगे जब तक कि क्लियर ना करें कि आपका सहाबा के बारे में और कुरान मेद के बारे में क्या है भाई आपका अकीदा क्या है इसीलिए इमाम शाफि रहमत ला कहते हैं कि राफिजी दुनिया के सबसे झूठे लोग होते हैं और महदसिन इमाम इबन महरान कहते हैं मैंने सारे महदसिन से राय जमा की तो कहा कि ये झूठे लोग हैं इनके रिवायतों पे भरोसा मत करो जो राफी भी होते हैं इसीलिए शेख बिनबाद रमतल शेख अलबानी रहमत आ मुखलिफ़मा कराम के फतवे मैंने जमा किए पढ़े देखे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये फोर्टी थ्री फ़िरक़ों में से जो कुर मजीद के तहरीफ का ख़ायल है वो काफिर है पक्का उसमें कोई शक नहीं शक करने वाला काफिर और इन 43 थ्री में से जो सहाब कराम अबूबकर रज्ला तमर तो तर ताना करता है और कहता है कि मुर्तद हो गए उसके कुफर में भी कोई शक नहीं है जो इनके बारे में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा ये फतावे हैं कराम के अब ये देखना है कि कौन कितना मुतासर हुआ है राफिदियत से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की मेरे पूरे बयान में कि मैंने शेह सुन्नी का झगड़ा सामने लाया नहीं मैंने कहा कि शिया सुन्नी दोनों भी मुताफ़र हुए असल इसके अंदर जो कल्प्रिट या मुजरिम हैं वो है राफ़िदी जो सहाबा और आले बैत के दरमियान तकसीम करके उम्मत को बांटना चाह रहे थे लेकिन सहाबा और आले बैत आपस में रिश्ते क़ायम करते रहे कभी भी इन्होंने इसका असर नहीं लिया हमेशा से उनके पास था रज़ी अल्लाह रजौन का तकरीब ढाई सौ साल तक इमाम अलामा अहसान ला जहीर हफीज ने अशिया व सुन्ना किताब में कहा ढाई सौ साल तक भी रिश्ते चलने का जिक्र मिलता है इनके बड़े बड़े जो इमाम जिनको ये लोग इमाम कहते हैं वो इमाम भी पैदा हुए तो साहबा और आलेबैद के दरमियान के रिश्तों के दरमियान ही पैदा हुए इसका मतलब एक ला कि ढाई सौ साल तक भी ये लोग शिया सुन्नी का ऐसा कोई गिरोह नहीं बता सकते कि जिसकी वजह से फ़िरके बन गए उम्म में ये तो बाद में लोगों ने बना कुरान मद में शह सुनने का कोई फ़िरका नहीं बता सिर्फ़ अहलसनतजमान अहलीफ़ एलर असर यून यही वो सीधा रास्ता है जो आपको सीधे रास्ता तक नबी वसल्लम कर्न सही हदीस और सहाबा के रास्ते पर ले जाकर जो पहुंचा दे ये रास्ता इबन तयम रहमत आ तहीक़त इबन ख़ैम रहमत आई की तहकी आज के दौर में शेख बिन बाद रहमत आल शेख़ अलबानी रहमत ला शेख अबिनिर रहमे सऊदी अरब के सऊदी अरब के सारे किबारमाकराम से जुड़े रहिए इनके फतवा पढ़िए मीडिया की बातों में आकर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने की ज़रूरत नहीं है ये एक वो पुराने राफिदियों से मुतासर जो लोग हैं उनकी चाल है जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट को गिराने के दर पे हैं हर तरफ से हमले हो रहे हैं ऐसे वक्त पर दुआ कीजिए कम से कम कम से कम बग़ैर तहकीक़ के कोई बात मत बोलिए ये हमारी जिम्मेदारी है मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तआला मुझे और आप सबको तहकीक से काम लेने और साहबा कराम के बारे में सोच समझ कर अपने ईमान को बचाने वाला बनाए जल्दबाजी में आकर अपने ईमान को गड़बड़ ना करने वाला बनाए आमिन रब्बिल आलमीन